चलो। सो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो, आप सब लोग एकदम जोरदार होंगे, टकाटक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे, राइट? सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने आपके पिछले 2 दिन लेक्चर्स नहीं लिए। वहाँ पे मेरा थोड़ा सा बहुत ज्यादा गला दर्द कर रहा था, तो उस रीजन की वजह से वहाँ पे मैंने कोई भी लेक्चर नहीं लिया यूट्यूब पे। सिर्फ कल 12th का एक जो सुबह लेक्चर लिया, बस उतना ही मैंने किया था, राइट? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने, मैंने आपको अभी तक जितने भी चीजें पढ़ाई, आप सभी लोगों ने सारी चीजें पक्का रिवाइज कर दी होगी। आज का जो भी लेक्चर है अपना, तो आज का लेक्चर ही है, स्पेशली जो भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है उनका लेक्चर है। अगर आप में से कोई यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स रहेंगे तो प्लीज आप ये लेक्चर को मत देखना, क्योंकि ये लेक्चर 11th वालों के लिए, और आपके जो भी इकोनॉमिक्स की चीजें हैं और अकाउंट्स के कुछ पेंडिंग चीजें, वो सारी की सारी चीजें आपको मैं कल मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैक्सिमम जितनी भी चीजें आपकी, सारी की सारी चीजें आपको कल वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स गाइस, प्लीज आपका जो भी प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छे से कंटिन्यू रखना, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सिर्फ थोड़ा मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था, उस कारण वहां पे मैं लेक्चर नहीं ले पाया, तो डोंट वरी, अभी इसके आगे जो भी होगा अपन सारी चीजें कर लेंगे, राइट? और जो भी अपने 11th वाले चिंटे पिंटे लोग, राइट, तो 11th वाले चिंटे पिंटे लोगों, अभी तक मैंने आपका फाइनल अकाउंट्स का जो भी चैप्टर था वो आपका मैंने एक लास्ट एडजस्टमेंट वहां पे मेरा बचा था, तो वो लास्ट एडजस्टमेंट जैसे भी मेरा होता है मैं आपको उतना रिकॉर्डिंग करके वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? सो आज का जो भी लेक्चर है गाइस, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे मैं आपका एक नया चैप्टर जो है, प्लीज ध्यान देना, सबसे पहले ना आप जब भी स्ट्रीम पे आओ ना गाइस, तो प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर देना, लाइक करते जाओ, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर करते जाओ, ठीक है? तो पहला याद रखो, लाइक करना है आप सभी लोगों को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी पक्का कर देना, ठीक है? चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, देखो जैसे आपका 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स की बात आती है, पहले मैं आपका 2-5 मिनट थोड़ा सा लूंगा, आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है, आपका जो मौल्यवान समय है, उसमें से 5 मिनट आप प्लीज मुझे दे दो, मुझे कुछ बातें आपको शेयर करनी, फिर मैं आज का लेक्चर को यहाँ पे शुरुआत करूंगा, ठीक है? सो देखो माय डियर, सबसे पहले जब तक मैं आपके अकाउंट सब्जेक्ट की बात करता हूँ 11th स्टैंडर्ड की, तो वहां पे मुझे ध्यान में आया कि वहां पे ना 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस में, अभी मुझे पता नहीं कि कुछ कॉलेजेस में और रिड्यूस में है या नहीं, आई डोंट नो, बट जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने पिछले कुछ दिनों में कम्युनिकेट किया, तो वहां पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे बताया कि सर जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये जो चैप्टर है वो हमारे रिड्यूस सिलेबस में, साथ साथ में जो भी हमारा बैंक रिकन्सिलेशन नाम का जो चैप्टर है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो भी हमारे रिड्यूस सिलेबस में, ठीक है? तो जो भी ये 2 चैप्टर अगर अपन देखते हैं, तो ये 2 चैप्टर छोड़ के अगर आप देखते हो अपने सिलेबस का, तो वहां पे सिर्फ मेरा डिप्रिसिएशन ये एक ही चैप्टर वहां पे बचा है, सिंगल एंट्री जो भी चैप्टर है, तो आज मैं वहां पे आपका स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो आज से वहां पे आपका सिंगल एंट्री ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में आपको सारी कुछ चीजें मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों के कल वहां पे पेपर्स है, तो मैं ऐसे ट्राई करूंगा पूरा का पूरा कि आप सभी लोगों का क्या हो जाए, आज के ही दिनों में जो भी सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है? मैं आपको कुछ उसकी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिसके वजह से वहां पे आपको सिंगल एंट्री एकदम आसान तरीके से आपको वहां पे आ जाएगा, ठीक है? सो गाइज, अभी तक आपने अगर किसी भी चीजों के साथ जुड़े नहीं रहेंगे हमारे साथ, तो सबसे पहले वहां पे मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया है, वहां पे आप फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा, अपने एप्लीकेशन का वहां पे नाम वगैरह दिया है, वो सारी चीजों के साथ आप वहां पे कनेक्ट हो जाना, ठीक है? अपना एप्लीकेशन के लिए वहां पे आपको प्ले स्टोर वगैरह पे सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है? सेकेंड बात वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो यार, आई नो कि अभी तक कुछ लोगों के 11th स्टैंडर्ड के जो पेपर है वो अभी तक हुए नहीं है, कुछ लोगों का 31 मार्च तक हो जाएगा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम है 5 अप्रैल को हो जाएगा, किसी लोगों का 15 अप्रैल तक भी चलेगा, राइट? तो लेकिन फिर भी जितने भी 11th स्टैंडर्ड की फैमिली यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो भी अपने 12th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट ईयर का जो बैच है, तो ये अपना बैच 1st ऑफ अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ,
जो भी ऐसे स्टूडेंट के जिनका 1 अप्रैल तक पेपर नहीं हुआ है, समझो फॉर एग्जांपल उनका 10 अप्रैल को या 15 अप्रैल को उनके पेपर्स खत्म होने वाले रहेंगे, तो डोंट वरी, आपका जितना भी सिलेबस वहां पे पेंडिंग होगा आपके सारी की सारी चीजें मैं वापस वहां पे रिपीट कर दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो 12th स्टैंडर्ड के क्लासेस अपन चालू कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। ऑनलाइन प्राइवेट बैचेस अपन लेंगे जी मीट पे, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ जुड़ना है, साल भर पढ़ना है, तो आप जुड़ सकते हो। और साथ साथ में आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पे भी बने रहना है, क्योंकि अपने YouTube चैनल पे वहां पे मैं बहुत सारी चीजें अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब पूरा जो भी 12th स्टैंडर्ड है वो जितनी भी चीजें मैं वहां पे YouTube पे भी डाल दूंगा, और अपना प्राइवेट सेशन भी चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो को पक्का शेयर कर दोगे, ठीक है। और साथ साथ में जो भी ऐसे स्टूडेंट के जिनको CA फाउंडेशन करना है, तो वो भी अपन वहां पे चालू कर रहे हैं 1 जून से, उसका एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। चलो तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पक्का मिल गया होगा, और आप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स तक पक्का वहां पे शेयर कर दोगे, ठीक है। चलो तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं गाइस आपके एक प्यारे वाले चैप्टर से, जिसका नाम है सिंगल एंट्री। कौन सा चैप्टर आज हमको पढ़ना है, बोले यहाँ पे सिंगल एंट्री, ये चैप्टर यहाँ पे हमको पढ़ना है। मैं वापस बोलता हूँ कि देखो, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना, जो आपको अगर समझ जाता है ना माय डियर, तो आपको 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है एज कम्पेयर टू योर फाइनल अकाउंट। जो देखो, इसके पहले अपन ने कौन सा देखा था, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 वहां पे मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया था, बराबर, जहां पे अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह सारी चीजें वहां पे हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। सो अभी ना आज मैं आपको जो स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है चैप्टर नंबर 10, जिसका यहाँ पे नाम है बोले जिसका सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। अभी ना सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं सुनो, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा ये चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में बोल देता हूँ कि एग्जैक्टली ये चैप्टर में हमको क्या क्या करना है। थोड़ा सा आपको मैं इसका थियोरेटिकल कुछ चीजें वो 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर अपन क्या करेंगे, जो भी आपके इसके क्वेश्चन है ना, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के दे दूंगा, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, ये चैप्टर आपका बहुत 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 आसान चैप्टर है। अभी देखो, मेरी एक बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना गाइस कि देखो वहां पे ना, जब भी अपन अकाउंटिंग करते, सब लोग मुझे चैट सेक्शन में रिस्पांस करेंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को पक्का लाइक करेंगे, आपके सारे फ्रेंड्स को प्लीज ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जल्दी से मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, अपन जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना माय डियर, तो वहां पे अपने अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। क्या बोला मैंने कि जो भी अपन क्या करते बोलो, अकाउंटिंग करते, बराबर। तो ये अकाउंटिंग करने के वहां पे क्या होते बोले जल्दी से मुझे, दो मेथड्स होते हैं या दो तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला उसमें से अपना मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला कौन सा होता है बोले यहाँ पे हमारा जल्दी से, डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है ना। जो अपन ने कहाँ पे देखा बोलो, जिससे जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट्स तक अपन ने जितनी भी चीजें वहां पे प्रिपेयर किया, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते थे बोले जिससे मुझे, डबल एंट्री सिस्टम बोलते थे, बराबर। और सेकंड हमारा जो टाइप होता है तो उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं माय डियर सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकंड यहाँ पे कौन सा टाइप होता है बोलो, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अभी सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस समझ लो कि होता क्या है। देखो माय डियर, जब भी मैं वहां पे आपके साथ डबल एंट्री सिस्टम की बात करूंगा ना, तो आप लोगों को एक बात ये याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब ये सबसे साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग माना जाएगा। क्या बोला मैंने आपको, जो भी अपना डबल एंट्री सिस्टम रहेगा गाइस, तो डबल एंट्री सिस्टम अपना सबसे क्या माना जाएगा बोले जैसे मुझे, साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग या साइंटिफिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो, प्लीज ये वीडियो को आखिरी तक देखना। ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि ये वीडियो खत्म होने के बाद वहां पे आपको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपके एग्जाम्स में आप ऐसे ही, आप अकेले ही ऐसे स्टूडेंट रहेंगे कि जो ये चैप्टर को इतने कम समय में पढ़ के वहां पे आप आउट ऑफ मार्क्स इसका लेके आओगे, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखो, ठीक है। ओके चलो, तो अभी देखो यार, इतना याद रखो कि हमारा जो भी अकाउंटिंग है ना, तो हमारे अकाउंटिंग करने के बेसिकली दो प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहला मेरा सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम, राइट, और सेकंड मेरा यहाँ पे होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, बराबर।
अभी इतना याद रखना यार कि डबल एंट्री सिस्टम जो भी है ना, तो ये हमारे अकाउंटिंग का ये सबसे साइंटिफिक मेथड माना जाता है। क्या बोला मैंने? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर साइंटिफिक, राइट, तो वो केस में आप वहां पे कौन सा मेथड लिखोगे? बोले जिससे मुझे डबल एंट्री सिस्टम इज द अकाउंटिंग सिस्टम विच इज मोर साइंटिफिक मेथड। समझा क्या? तो फिर आपके मन में आएगा कि सर अगर डबल एंट्री सिस्टम अगर ये साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग है, तो फिर अपन वहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम को क्यों करते हैं? तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? देखो माय डियर, क्या होता है मालूम है क्या, कि जो भी अपना सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, तो सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम ये ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो है ना बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो भी अपना सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है ना माय डियर, वो ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो क्या कर रहे हैं, बताओ जल्दी से मुझे, एकदम छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। समझा? अभी मुझे एक बात बोलो, जैसे आप मुझे एक बात बोलो कि आपके आजू बाजू में जैसे वहां पे जो भी ग्रोसरी शॉप वाला है, या आपके आजू बाजू में समझो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पान टपरी वाला देखा होगा, राइट, या आपके बाजू आजू बाजू में मान लो आपने कुछ ऐसे बिजनेसेस अगर देखे होंगे कि जिसका है ना मतलब वो अकेले ही बिजनेस कर रहा है बहुत सालों से, वो क्या कर रहे हैं बोलो, अकेले ही बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बराबर। तो मुझे एक बात बोलो माय डियर, कि ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो आपको लगता है क्या रे, कि समझो वो समझो फॉर एग्जाम्पल आपके बाजू में ना वहां पे एक लल्लू राम करके अंकल है, और लल्लू राम के अंकल का वहां पे ग्रोसरी शॉप है, बराबर। तो आपको लगता है क्या रे बोलो, कि लल्लू राम वाले अंकल वो वहां पे अकाउंटेंट रखेंगे, है ना, फिर अकाउंटेंट रख के वो सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड करेंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ क्यों। देखो माय डियर, जब भी अपन वहां पे डबल एंट्री सिस्टम से कोई भी अकाउंटिंग करते हैं ना, तो इतना याद रखना कि डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते टाइम वहां पे मुझे अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, बराबर है क्या? और अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो आपको लगता है क्या कि मैं डबल एंट्री सिस्टम से वहां पे अकाउंटिंग कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। समझा? तो इतना याद रखना, ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वहां पे कौन सा मेथड है, बोले जिससे मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम में मेथड वहां पे अपन फॉलो करेंगे, ठीक है? तो इतना याद रखना, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पे जो भी स्मॉल लेवल बिजनेस है, जो भी छोटे छोटे बिजनेस है, वो सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, और ये अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग माना जाएगा, ठीक है? अगर इतना क्लियर रहेगा तो जल्दी से सब लोग मुझे थम्स अप दे देना, इतना क्लियर है तो थम्स अप दे दो, ठीक है? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों को एकदम शांति से समझना। आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे आज मैं क्लियर करवा के दे दूंगा, ठीक है? अभी देखो यार, मुझे एक बात बोलो, है ना, कि जैसे वहां पे मैंने आपको, सुनो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो प्लीज मैं क्या बोल रहा, राइट, आप प्लीज मेरी सारी बात एकदम अच्छे से ध्यान देना। जो भी प्राइवेट क्लास की इंक्वायरीज है, आप सभी लोग, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे अपन सारी बातें देख लेंगे, ठीक है? आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। अब भी अपन सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे? अपने क्लास के ऊपर, ठीक है? जो आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम मस्त वाला अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? चलो, तो देखो माय डियर, मैं आपको ये बोल रहा था कि वहां पे ना मैंने आपको बोला था कि बेसिकली तीन प्रकार के अकाउंट्स होते, राइट? जैसे सबसे पहला हमारा होता है वहां पे रियल अकाउंट, सबसे पहला कौन सा अकाउंट होता है मेरा? रियल अकाउंट होता है। सेकंड वहां पे मेरा होता है पर्सनल अकाउंट, और थर्ड मेरा वहां पे होता है नॉमिनल अकाउंट, बराबर। तो इतना याद रखना कि जब भी वहां पे अपन डबल एंट्री सिस्टम की बात करते थे ना रे, तो डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी तीनों अकाउंट्स है मेरे, कौन से, रियल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन प्लस पर्सनल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन प्लस नॉमिनल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन, राइट? तो ये तीनों प्रकार के ट्रांजेक्शन में कहां पे रिकॉर्ड करने का, बताओ मुझे, डबल एंट्री सिस्टम में, वहां पे मैं रिकॉर्ड करने का, ठीक है? लेकिन इतना याद रखना कि जब भी वहां पे मैं आपके साथ सिंगल एंट्री सिस्टम का बात करूंगा ना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे मैं रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं। प्लीज ध्यान देना, ये कुछ बातें हैं जो आपको एमसीक्यू में आ सकती है, प्लीज सारी बातों को समझ लेना। डेढ़ से दो घंटा लेक्चर चलेगा, दो घंटे डेढ़ आप समझ लो कि 11:30 तक लेक्चर चलेगा, 11:30 तक आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। समझा? देखो गाइस, क्या होता है ना कि ये ऐसे चैप्टर्स है ना कि जिसको प्राइवेट बैच में पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 15 दिन लगता है, कम से कम 15 दिन, राइट? तो इतना हार्ड एंड फास्ट ये सारी चीजें करवाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें वहां पे आपकी कवर करवा के मैं दे दूं, ठीक है? तो इतना याद रखना कि जब भी वहां पे मैं डबल एंट्री सिस्टम की बात करता हूं ना, तो डबल एंट्री सिस्टम में वहां पे जो भी हमारे कौन से अकाउंट थे बोलो, रियल अकाउंट या वहां पे पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ये सारे के सारे चीजों का वहां पे अपन क्या करते थे बोलो, सारी चीजें यहाँ पे अपन रिकॉर्ड करते थे। किधर मैं बोल रहा हूँ आपका? डबल एंट्री सिस्टम में बोल रहा हूँ, समझा? लेकिन जब भी मैं वहां पे आप सभी लोगों के साथ सिंगल एंट्री की बात करूंगा ना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे सिर्फ और सिर्फ, जिंदगी भर याद रखना,
सिंगल एंट्री सिस्टम है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपन जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट रहते हैं ना, जो भी हमारे कौन से अकाउंट रहते हैं, बोलो पर्सनल अकाउंट रहते हैं, या जो भी हमारे कैश वाले ट्रांजेक्शन रहते हैं, जो भी हमारे कौन से रहते, बोलो कैश वाले ट्रांजेक्शन रहते हैं ना, ये दो ही चीजों का अपन रिकॉर्डिंग करते हैं। किधर? सिंगल एंट्री में। डबल एंट्री में अपन सारा करते, ठीक है। तो इसलिए याद रखना माय डियर कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो भी है ना, इसको वहां पे अपन बोलते अनसाइंटिफिक मेथड। इसको अपन क्या बोलते, बोलो अनसाइंटिफिक मेथड बोलते। ये लीगली वैसा अलाउड नहीं है, लेकिन जो भी छोटे बिजनेसमैन है वो सारे लोग इसको क्या करते, बोले जिसे मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी, राइट। अगर आपको सारी चीजें समझे तो वीडियो को पक्का लाइक कर देना और जल्दी से चैट सेक्शन में थम्स अप कर देना। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बात को समझ लो। देखो यार, प्लीज मेरी बात समझो। अगर आप, मैं आपके साथ डबल एंट्री सिस्टम की बात करूं, मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि जब भी अपन वहां पे सिंगल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वो टाइम पे आपको इसके लॉजिक समझ में आएंगे कि हाँ यार ये ऐसा क्यों किया, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारी जितनी भी चीजें मुझसे हो रही है, मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, बोलो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, आपको सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में आ जाएगी। देखो माय डियर, जब भी वहां पे मैं आपके साथ डबल एंट्री सिस्टम की बात करने का, बराबर, तो डबल एंट्री सिस्टम में वहां पे अपन क्या करने के रहे, तो वहां पे अपन है ना एक अकाउंटिंग प्रोसीजर नाम का कॉन्सेप्ट था। कौन सा कॉन्सेप्ट था, बोलो? वहां पे हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर नाम का कॉन्सेप्ट था, जिसमें अपन सबसे पहले क्या करने के, जैसे अपन जर्नल करने के, फिर अपन क्या करने के, लेजर करने के, फिर अपन क्या करने के, ट्रायल बैलेंस करने के, बराबर है क्या? नहीं, फिर अपन क्या करने के, बोले यहाँ पे जल्दी से, तो यहाँ पे अपन जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट की मदद से, यहाँ पे अपन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के, और यहाँ पे अपन क्या करने के, बोलो बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करने के, बराबर। ये किधर होने का, बोलो? सारी चीजें हमारी डबल एंट्री सिस्टम में होने का। आई होप आपको ये समझा होगा, राइट। लेकिन इतना याद रखना माय डियर कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी अपन ये सारी जो चीजें करते थे ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये कोई की कोई भी चीजें अपन यहाँ पे करेंगे क्या, बोलो? नहीं करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में इसमें से एक भी चीज अपन नहीं करेंगे, और ना ही हम सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, समझा? मतलब डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे मैंने जितनी भी चीजें सीखी ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे अपन सिंगल एंट्री में बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में पूरा डबल एंट्री से क्या है, बोलो? अलग है, ठीक है। तो फिर आपके मन में आएगा, सर फिर सिंगल एंट्री सिस्टम में करना क्या होता है, तो ध्यान दो। देखो माय डियर, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक बहुत ही भारी वाली चीज हमको करनी है, जिसको अपन बोलते हैं अफेयर्स, है ना। यहाँ पे इसके भी अफेयर्स है, देखो, राइट। पूरे दुनिया में अफेयर्स चल रहे हैं अलग अलग, और इसके भी क्या है, बोले यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में अफेयर्स है, समझा क्या? तो इतना याद रखना माय डियर कि जब भी मैं वहां पे आपके साथ सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करूंगा, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पे मुझे क्या करने, अफेयर्स करने, यहाँ पे मुझे क्या करने, बोलो? अफेयर्स करने, ठीक है। तो ऐसा ऐसे इधर उधर फालतू मत सोचना बिल्कुल भी, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम में ना माय डियर, यहाँ पे मैं जब भी अफेयर्स बोलूंगा, तो ये अफेयर्स एग्जैक्टली वैसा नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पे हमको हमेशा तीन चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। कितनी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, बोले? यहाँ पे हमको तीन चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, समझा ना? जिसमें से सबसे पहला यहाँ पे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, उसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलेंगे। यहाँ पे भी उसके अपन अफेयर करेंगे, यहाँ पे भी उसकी शादियां लगा देंगे अपन, बिल्कुल टेंशन मत लेना यार, राइट। इतना याद रहेगा पक्का, सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहला क्या करना है, बोलो मुझे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेरा कौन सा रहेगा? ओपनिंग रहेगा। ये सब कुछ मैं आपको बोल दूंगा, रहता क्या है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये सारी चीजें सारंग सर आपको बता देंगे कि होता क्या है, बिल्कुल भी लोड लेने का नहीं, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे हमारा होता है वापस अफेयर। यहाँ पे अफेयर दो दो बार करने के, जिंदगी में नॉर्मली तुम अफेयर जो करते हो कितनी बार करते हो, एक बार करते हो, लेकिन यहाँ पे तुमको अफेयर कितने बार करना है, दो बार करना है, समझा? तो यहाँ पे दूसरी बार जो आप अफेयर करोगे, ये आपका आखिरी अफेयर होगा, और उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलेंगे। याद रहेगा पक्का, इतना याद रहेगा क्या, बताओ? तो मैंने आपको क्या बोला, डबल एंट्री में अपन जितने भी कांड करते थे, राइट, कांड समझते हैं ना आपको, इतनी सारी जो हमको चीजें करनी पड़ती थी, तो वो सारी की सारी चीजें हमको सिंगल एंट्री में करनी, क्या बोलो? ना जी ना, हमको नहीं करनी। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमको क्या करना है, जो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं करते थे, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करने का, वहां पे अफेयर्स करने के। अफेयर्स कितनी बार करने के, दो बार करने के। पहला कौन सा करने का, शुरू वाला, फिर कौन सा करने का, आखिरी वाला, समझा? शुरू वाले अफेयर्स को अपन वहां पे
में क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और जो भी आपका सेकेंड वाला है राइट, एंड वाला जो आपका है उसको अपन क्या बोलते हैं, बोले जल्दी से, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, समझा क्या। यानी इसके साथ याद रखना माय डियर, अफेयर जब भी आएगा तो अफेयर के जैसे क्या होगा, एक तो फायदा होगा या नुकसान होगा, अफेयर के जैसे क्या होगा, एक तो फायदा होगा या नुकसान होगा, बराबर। तो यहाँ पे अपन तीसरा बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे बोले, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, समझा। तो इतना याद रखना कि जब भी वहां पे मैं आपके साथ सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में वहां पे मला किती गोष्टी बनवायच्या आहेत बोला लवकर माझ्या सोन्यांनो, मला इकडे तीन गोष्टी बनवायच्या आहेत, ओके। सगळ्यात पहिले मला काय बनवायचंय, स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ओपनिंग वालं, दुसरं मला काय बनवायचंय, स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स क्लोजिंग वालं, आणि तिसरं मला इकडे काय बनवायचंय बोला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट। एवढं काय आलं का सांगा लवकर, आपको इतना समझा क्या, बताओ जल्दी से मुझे, अगर इतना समझा तो थम्स अप दे दो, ठीक है। अभी इतना याद रखना यार कि देखो जैसे अपन है ना, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, जैसे यहाँ पे अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, इसमें से एक भी चीज नहीं आएगा, इतना याद रखना। डबल एंट्री में अपन जितने भी कांड करने के ना, उसमें से एक भी कांड को हमको सिंगल एंट्री में रिपीट नहीं करना है, उतना याद रहेगा ना पक्का। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनेगा क्या, ना जी ना। डबल सॉरी माय मिस्टेक, मेरे से गलती हो गया, मैंने आपको क्या बोला, डबल एंट्री सिस्टम में जितनी भी चीजें अपन करने के वो अपन सिंगल एंट्री में नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि डबल एंट्री सिस्टम में जो भी अपन वहां पे ट्रायल बैलेंस बनाने के, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में आएगा क्या, ना जी ना। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा क्या सिंगल एंट्री में, ना जी ना। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा क्या, नहीं आएगा। बैलेंस शीट आएगा क्या, नहीं आएगा। इतना समझा क्या पक्का, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। देखो माय डियर, तो फिर अभी क्या करने का समझ लो। देखो सबसे पहले है ना, यहाँ पे हमको जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने ओपनिंग बोला ना, तो ओपनिंग का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग का मतलब क्या होता है बोलो, कि जब भी हमारा अकाउंटिंग ईयर चालू होगा तो वो टाइम पे हमको जो बनाना पड़ेगा उसको अपन बोलेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, समझा। क्लोजिंग मतलब क्या रहेगा रे बताओ, तो क्लोजिंग का मतलब रहेगा कि जब भी वहां पे मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे मैं जो भी बनाऊंगा उसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, समझा। और लास्ट में यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना याद रहेगा पक्का। तीन चीजें प्लीज याद रखना, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है, सबसे पहले आप क्या समझ लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है बेटा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी है ना, ये आपका एकदम सेम टू सेम, क्या बोला मैंने, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप सभी लोगों का एकदम सेम टू सेम कैसे होगा, तो आपका ये एकदम सेम टू सेम होगा बैलेंस शीट जैसा। आपको बैलेंस शीट तो याद है ना, जैसे आपको इतना तो पता होगा कि हाँ जी हमारा जो बैलेंस शीट था, ये बैलेंस शीट में हमारे ऐसे दो साइड्स रहने के सर, यहाँ पे आप है ना हमको लाइबिलिटी साइड बताने के, और जो भी हमारा राइट साइड था ना सर, यहाँ पे आप एसेट्स बताने के। आपको ये याद है पक्का, क्या आपको ये याद है बोलो, मैंने आपको जो फाइनल अकाउंट्स में बोला था। तो इतना याद रखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही सेम टू सेम कैसा रहता है, बैलेंस शीट जैसा ही रहता है, सिर्फ सिंगल एंट्री में अपन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे अपन, सिंगल एंट्री में यहाँ पे क्या बोलेंगे बोले जिस उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, यहाँ पे अपन उसको क्या बोलेंगे बोलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, समझा क्या। आपको इतना याद रहेगा क्या बताओ। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बना रहा हूं, साल चालू होने के टाइम का बना रहा हूं, तो उसको मैं यहाँ पे कौन सा बोलूंगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलूंगा, याद रहेगा ना पक्का। और अगर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर मैं एट द एंड ऑफ द ईयर का बना रहा हूं, तो इसको मैं कौन सा बोलूंगा बोलो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलूंगा। इजी क्या, एकदम एकदम सोपा है क्या, नहीं बताओ। देखो एकदम इजी है, बिल्कुल टफ नहीं, अगर आपको ध्यान देके सुनोगे तो आपको सारी चीजें आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेम टू सेम कैसा रहेगा, बैलेंस शीट जैसा रहेगा, बराबर ना। तो बैलेंस शीट में कैसे दो साइड्स रहने के आपके, जैसे एक साइड आपका लायबिलिटी, दूसरा साइड आपका एसेट रहने का, बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी पहला साइड कौन सा आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, एसेट साइड आएगा। इज दैट क्लियर, अगर इतना समझा तो थम्स अप दे दो, अगर इतना समझा तो थम्स अप दे दो, ठीक है। अभी इतना याद रखना कि हमको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाना क्यों है, व्हाई डू वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अभी सबसे पहले इतना याद रखना कि जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना माय डियर, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्लीज जान दो, हम्मद बोल रहे सर पहचाना का, देखो मतलब अभी क्या बोलू इसको मैं, हम्मद बेटा मैं तेरे को नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा रे, हाँ चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो माय डियर कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी ना, तो ये हम इसलिए बनाते क्योंकि वहां पे मुझे कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है, क्या बोला मैंने,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम वहां पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बोलो, कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ता है, समझा? तो जैसे कैपिटल मतलब क्या, तो ध्यान दो, देखो यार आपको ये तो पता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे मेरा एसेट्स का जितना भी टोटल आता था वही टोटल मुझे कहां पे लिखना पड़ता था, बोलो, लायबिलिटी में लिखना पड़ता था। आपको ये तो याद है ना पक्का कि जितना भी टोटल में एसेट्स में लिखने का वही टोटल मेरा कहां पे आता था, बोलो, लायबिलिटी में आता था, बराबर। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी वहां पे मैं आपके साथ लायबिलिटी की बात करूंगा तो वहां पे हमारी दो प्रकार की लायबिलिटी होगी, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे हमारी लायबिलिटी होगी जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो, ओनर्स लाइबिलिटी, यहाँ पे ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड बोलने के अपन, बराबर। ओनर्स फंड मतलब जो बिजनेस को ओनर को देना है, ये हमारी पहले प्रकार की लाइबिलिटी होने की। और सेकेंड प्रकार की हमारी लाइबिलिटी कौन सी होने की, बोलो, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। सेकेंड यहाँ पे हमारी कौन सी होने की, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, बराबर। तो इतना याद रखना माई डियर कि जो भी हमारे यहाँ पे अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ना, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओनर्स फंड मतलब इज क्या, कैपिटल, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल में कैसे निकालता हूं, ध्यान देना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, पूरा अच्छे से ध्यान दो। तो मैं कैसे करूंगा, टोटल ऑफ द एसेट्स क्या करूंगा, सुनो मेरी बात, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपका कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, सुनो, एकदम लॉजिकल है, रट्टा नहीं मारने का, ठीक है? आप मेरे स्टूडेंट हो, रट्टा मारोगे नहीं, ठीक है? इतना याद रखना, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि कैपिटल कैसे निकालते, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या करने का, ये एसेट का टोटल लेने का, ये एसेट का क्या करने का, टोटल लेने का, समझा? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टोटल एसेट्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टोटल एसेट्स, माइनस में क्या करूंगा, ये जो आउटसाइडर लाइबिलिटी ना, इसको मैं निकाल दूंगा, समझा? मैंने आपको क्या बोला, सुनो, देखो माय डियर, एकदम लॉजिकल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। देखो ये जो मेरा टोटल है, बराबर, तो यहाँ का भी टोटल उतना ही रहेगा ना, मतलब मैं ऑब्वियसली क्या कर रहा हूं, ये टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये मिलेगा ना। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इतना याद रखना माय डियर कि जब भी मैं टोटल एसेट्स में से मैं जब भी क्या करता हूं, बोलो, आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस करता हूं, जब भी मैं क्या करूंगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी को अगर मैं माइनस करूंगा, ठीक है, तो वो सिचुएशन में वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, बताओ जल्दी से, कैपिटल मिल जाएगा। वो सिचुएशन में वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो, कैपिटल मिल जाएगा। इतना याद रहेगा क्या, बताओ, इतना याद रहेगा क्या, बताओ जल्दी से सब लोग मुझे, अगर इतना समझा तो थम्स अप दे दो, ठीक है? अभी देखो क्या करना है, सुनो, अभी क्या करना है, सुनो, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, इसी प्रकार का अपन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाएंगे। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, बोलो, यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से अपन यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, इतना समझा? और उसी प्रकार से अपन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाएंगे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से वहां पे अपन क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, समझा? क्या बोला मैंने, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करूंगा, बोलो, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करूंगा। और सेकंड मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करूंगा। इतना याद रहेगा क्या, बताओ जल्दी से मुझे, इतना याद रहेगा क्या, बोले जल्दी से मुझे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने बोला, ओपनिंग से मुझे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग से मुझे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। और सेकंड क्या बोला मैंने, क्लोजिंग से मुझे क्या मिलेगा, बोले जल्दी से, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। इतना समझा के बताओ, अगर इतना क्लियर रहेगा तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, इतना क्लियर रहेगा तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, क्लियर है क्या, बताओ, इतना क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से गाइस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इतना एकदम अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है ना, इतना एकदम अच्छे से समझा ना, बोलो जल्दी से मुझे, इतना क्लियर रहेगा तो थम्स अप दे दो, ठीक है? चलो अभी ना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज बात को समझ लेना, प्लीज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, सारी चीजें आपको एकदम जोरदार तरीके से मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो, सब लोग मुझे यस और नो में आंसर देंगे, ठीक है? सब लोग मुझे यस और नो में आंसर देंगे, ओके? अभी मुझे एक बात बताओ, राइट, कि जब भी वहां पे ना ये बनाने के क्या रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका बैलेंस शीट है, बराबर, ये आपका क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है? और मान लो ये बैलेंस शीट का जो ये साइड है ना, ये मान लो आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका बैलेंस शीट का कौन सा साइड है, बोलो, लायबिलिटी साइड है, बराबर। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो कि जब भी वहां पे मैं आपके साथ बैलेंस शीट के, जब भी वहां पे मैं आपके साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की बात करता था, बराबर, तो आप मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी में यहाँ पे आप क्या करने के रहे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या लिखने के, जैसे आप लिखने के यहाँ पे कैपिटल, सब लोग प्लीज यस और नो में आंसर दोगे,
अभी ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये चीज आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर ये आपको समझ समझाना, तो मान लो वहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ मतलब वहां पे आपको सिंगल एंट्री आ गया। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, अगर आपको ये समझ जाता है तो आपको सिंगल एंट्री आ गया, समझा? तो ये आपके सिंगल एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है। अगर आपको समझा तो आप समझ लेना, आप एकदम क्या बोले, एकदम होशियार लोग हो, आप एकदम प्रो लेवल के खिलाड़ी हो। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक सिखा रहा हूं, इधर मस्ती नहीं चाहिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, समझा तो लगे समझेगा, नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा, फिर रट्टा रट्टा मारते बैठना। और आई डोंट वांट कि आप सब लोग रट्टा मारो, ठीक है? इसलिए आपको मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे आप क्या करने के बोलो, तो सबसे पहले यहाँ पे आप कैपिटल लिखने के, बराबर? तो कैपिटल में यहाँ पे आप क्या करने के, यस और नो में बोलने का। यहाँ पे आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखने के, यस और नो। यहाँ पे आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखने के, बैलेंस शीट याद करो थोड़ा सा आप, राइट? फिर ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पे आप क्या करने के रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका वहां पे अगर ड्रॉइंग होता है, सुनो मेरी बात, आपका अगर ओनर क्या करता है, पैसा निकालता है बिजनेस में से, बराबर? तो आप ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस करने के। कुछ याद आ रहा है क्या? ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता था, मैंने आपको ऐसे बोला था। इसका मतलब यहाँ पे अपन ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को क्या करने के बोलो, माइनस करते थे। ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को क्या करते थे, अपन वहां पे माइनस करते थे, याद रहेगा? फिर उसके बाद वहां पे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद मान लो फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो भी मेरा एडिशनल कैपिटल है, उसके बाद वहां पे मेरा जो भी क्या है बोलो, एडिशनल कैपिटल है, बराबर? तो मैं एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे क्या करने का, जैसे मान लो कि कोई भी ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो जो भी मेरा एडिशनल कैपिटल है, वो एडिशनल कैपिटल को मैं क्या करने का, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैं एडिशनल कैपिटल को एड करने का, एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे मैं क्या करने का, एड करने का। इतना याद रहेगा क्या, बोले जी से मुझे पक्का? और ये एडिशनल कैपिटल को ऐड करने के बाद, ये एडिशनल कैपिटल को वहां पे ऐड करने के बाद मैं क्या करने का बोलो, यहाँ पे मुझे क्या मिलता था, तो यहाँ पे मुझे मिलता था क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे मुझे क्या मिलता था बोलो, क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। इतना याद रहेगा क्या, बोले जल्दी से मुझे, माय डियर? इतना याद रहेगा क्या, बोले जल्दी से मुझे? लेकिन इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे अपना छूट गया, वो क्या है, सुनो। देखो माय डियर, ये क्लोजिंग कैपिटल को दो मिनट के लिए यहाँ पे मैं रफ करता हूं, ठीक है? मुझे एक बात बोलो कि क्या आपको याद है, कह रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे अगर मुझे कोई भी नेट प्रॉफिट हुआ, क्या बोला मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर वहां पे मुझे कोई अगर नेट प्रॉफिट हुआ, बराबर? तो वो नेट प्रॉफिट को मैं क्या करने का, यहाँ पे जो भी मेरा नेट प्रॉफिट था, वो नेट प्रॉफिट को यहाँ पे मैं क्या करता था बोलो, ऐड करता था, बराबर है क्या? और नेट लॉस अगर मेरा होता है, अगर मेरा नेट लॉस होता है, तो नेट लॉस को यहाँ पे मैं क्या करने का बोलो, माइनस करने का। ये सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूं मैं? जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, जैसे ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस करते थे, ड्रॉइंग्स को बाद में एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट को वहां पे ऐड करते थे, नेट लॉस को माइनस करते थे, बराबर ना? इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ, इससे मुझे क्या आएगा बोलो, वहां पे क्लोजिंग कैपिटल आता था। ये सारी चीजों के बाद मुझे क्या आता था बोलो, क्लोजिंग कैपिटल आता था, समझा? अभी ना हमको करना क्या है समझो, अभी हमको करना क्या है समझो, ठीक है? देखो माय डियर, मैंने यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर यहाँ पे मुझे तीन चीजें बनानी पड़ेगी, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, क्लोजिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? तो इतना याद रखना कि ये जो मैं आपको अभी बड़बड़ कर रहा था ना, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस देयर फॉर क्लोजिंग कैपिटल, तो ये सारी जो भी चीजें ना माय डियर, ये हमको कहां पे काम पाएगी मालूम है क्या? तो ये सारी चीजें हमको कहां पे आएंगी, ये साइड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, इधर हमको ये सारी चीजें काम पाएगी, ठीक है? अभी इतना याद रखना माय डियर कि आपने को सिंगल एंट्री में क्या करना है, तो सिंगल एंट्री के अंदर यहाँ पे हमको जाना है, सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगल एंट्री में यहाँ पे हमको क्या करना है, तो सिंगल एंट्री में यहाँ पे हमको उल्टा जाना है, मतलब डबल एंट्री में अपन क्या करने के, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते थे। प्लीज ध्यान देना गाइस, देखो अगर आप में पेशेंस रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अगर आप बीच बीच में गायब होंगे, बीच बीच में आएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, मैं वापस बोल रहा हूं, ठीक है? देखो डबल एंट्री सिस्टम में अपन क्या करने के, तो वहां पे हम ओपनिंग कैपिटल की मदद से वहां पे अपन क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते थे, यस और नो?
ओपनिंग कैपिटल की मदद से वहां पे अपन क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते थे। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं क्या? तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे मुझे क्या करना है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे मुझे जो भी मेरा क्लोजिंग कैपिटल है ना, तो ये क्लोजिंग कैपिटल की मदद से मुझे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। क्या बोला मैंने? देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या करना था मुझे, ओपनिंग से क्लोजिंग फाइंड आउट करना था, ओपनिंग से क्लोजिंग जाना था, ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में मैं उल्टा करना है। उल्टा मतलब क्या करना है मुझे, क्लोजिंग से कहां पे जाना है बोलो मुझे, ओपनिंग पे जाना है। इतना याद रहेगा क्या बताओ? अगर इतना समझा तो जल्दी से थम्स अप दे दो। मैं आपको बोल रहा हूं ना, सारंग सर तुमको पढ़ा रहे बोले तो तुमको सारी चीजें आ जाएगा, सिर्फ पेशेंस लगेगा बस। सारंग सर के टीचिंग में टाइम लगता है लेकिन जोरदार होता है, समझा ना। चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान दो। तो देखो यार मुझे एक बात बोलो फिर जल्दी से, सब लोग मुझे जल्दी से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, अभी आपको करना क्या सुन, राइट। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सब लोग कर रहे हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट नहीं, माय मिस्टेक, अकाउंट नहीं आता है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो। किसमें? सिंगल एंट्री के तीन आइटम्स मैंने आपको बोले, उसमें से थर्ड आइटम यहाँ पे आपको करना पड़ता है, ठीक है। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो माय डियर, यहाँ पे जब भी मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये जब भी बोलूंगा ना, तो हमको सिंगल एंट्री में कहां से कहां पे जाना है, मैंने अभी आपको बोला जैसे अपन डबल एंट्री में ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल जाते हैं, बराबर। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे मुझे उल्टा जाना है। कैसे जाना है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा माय डियर क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्लोजिंग कैपिटल लिखूंगा, और क्लोजिंग कैपिटल की मदद से यहाँ पे मैं जाना है मुझे ओपनिंग कैपिटल पे। मुझे क्लोजिंग कैपिटल से कहां पे जाना है बोलो, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। इतना याद रहेगा क्या बताओ? अगर इतना समझा तो थम्स अप दे दो, अगर इतना समझा तो थम्स अप दे दो, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ, देखो एकदम सोपा है। मैंने आपको क्या बोला, सिंगल एंट्री में तीन चीजें, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये सेम टू सेम कैसा है, अपना बैलेंस शीट जैसा है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा, इतना झेपा है तुमको। तो इसका मतलब तुमको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, बराबर। अभी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की मदद से वहां पे मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे मुझे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। देखो गाइस थोड़ा टाइम तो आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, नीचे वहां पे आपको लिखना है ओपनिंग कैपिटल, इतना समझा। अभी आपको क्या करना है मालूम है क्या, सुनो मेरी बात। देखो अपन ये जो भी मेन कांड कर रहे हैं ना, अपन ये जो भी मेन कांड कर रहे हैं ना क्लोजिंग टू ओपनिंग जाने का, यहाँ पे जो अपन मेन कांड कर रहे हैं ना क्लोजिंग टू ओपनिंग जाने का, ये कांड हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करना है। क्या बोला मैंने, जब भी मैं वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद मेरा एक ही चाहिए, क्या है बोलो, कि मुझे वहां से क्या फाइंड आउट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये क्या हुआ, ये वहां पे मुझे फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वहां पे मैं क्या प्रिपेयर करता हूं बोले, जिसे मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करता हूं। इतना समझा क्या, इतना समझा? मुझे एक बार वापस बोलो, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमको क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से वहां पे मुझे पता चलेगा कि मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है क्या, नेट लॉस हुआ है, समझा क्या। तो इतना याद रखना माय डियर कि जब भी यहाँ पे आप डबल एंट्री में ओपनिंग से क्लोजिंग जाते थे, प्लीज मेरी बात समझो, जब भी आप वहां पे डबल एंट्री में कहां से कहां पे जाने के बोलो, ओपनिंग से क्लोजिंग जो भी आप करते थे, बराबर ना, ओपनिंग से क्लोजिंग यहाँ पे आप जो भी करते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, ओपनिंग से क्लोजिंग करते टाइम आप जो भी आइटम को प्लस करते थे ना, क्या बोल रहा हूं सुनो, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम, क्या बोला, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम आप जो भी आइटम को प्लस करते थे, तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम वो सारे आइटम को माइनस करना है। क्या बोला मैंने, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम आप जो भी आइटम को ऐड करते थे, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम वो सभी आइटम को आपको क्या करना है बोलो, माइनस करना है। इतना याद रहेगा क्या, इतना याद रहेगा क्या बताओ, मतलब करना क्या है सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बोलो कि जब भी वहां पे मैं
ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाता था, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाता था, बराबर। तो वो टाइम पे मैं ड्राइंग्स को क्या करने का रे बेटा, वो टाइम पे मैं वहां पे ड्राइंग्स को क्या करने का बोलो, माइनस करने का। ड्राइंग्स को क्या करने का, मैं माइनस करने का, बराबर। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप फिर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे तो वो सारे आइटम्स को तुम क्या करोगे, प्लस करोगे। समझा क्या आपको? याद रहेगा पक्का। देखो मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, ये गेम ऐसा है कि अगर आप आखिरी तक रुकोगे तो आपको वहां पे जीत जाओगे, अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता है आपका, ठीक है? ये मेरा आपको प्रॉमिस है, बहुत समझ जाएगा। तो अपन वैसे प्रॉमिसेस देते नहीं है, अपन ने बोला ना समझेगा, बोले तो समझेगा। ध्यान में आया कि तुमको सिर्फ देखने का अच्छे से। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम जो भी आइटम को आप माइनस करने के, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम वो आइटम को प्लस करो, और ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम जो भी आइटम को आप प्लस करने के, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम वो आइटम को माइनस करो। अभी समझा क्या पक्का? तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना, प्लीज समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो माय डियर, अपन ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस करने के, बराबर। तो क्लोजिंग कैपिटल में अपन ड्रॉइंग्स को यहां पे क्या करेंगे बोलो, प्लस करेंगे। समझा क्या? देखो ना यहां पे अपन ड्रॉइंग्स को क्या करने के, अरे बाबा बोल रे बाबा, इकडे मी ड्रॉइंग्स ला काय करत होतो, माइनस करत होतो। आता जाता है का डोक्यात तुमच्या, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाताना तिकडे ड्रॉइंग्स ला मी माइनस करत होतो, तर क्लोजिंग टू ओपनिंग जाताना मला ड्रॉइंग्स ला काय करावं लागेल, प्लस करावं लागेल। आता काय आलं का तुम्हाला, नक्की येत आहे का, काही डोक्यात जाते का, नुसते बटाटे भरलेत, ठीक है? अभी दूसरा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो कि आपका ओपनिंग टू क्लोजिंग, सुनो मेरी बात, आपका ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम एडिशनल कैपिटल क्या होता था रे आपका, प्लस होता था। ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम एडिशनल कैपिटल प्लस होता था, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम आपका एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करना पड़ेगा। हाँ, आपका एडिशनल कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना याद रहेगा क्या बताओ, इतना याद रहेगा क्या? बोले दी से मुझे एक बार वापस, मी काय सांगतोय लक्ष द्या, एकदम व्यवस्थित लक्ष द्या। मी तुम्हाला काय सांगतोय कि जेव्हा आपण ओपनिंग टू क्लोजिंग जातो, तर जे पण आपण आयटम माइनस करायचो ना, तर क्लोजिंग टू ओपनिंग जाताना आपल्याला ते सगळे आयटम काय करायचे, प्लस करायचे। आता जातंय का डोक्यात तुमच्या? आणि जेव्हा आपण ओपनिंग टू क्लोजिंग जाताना आपण प्लस करायचो ना, तर क्लोजिंग टू ओपनिंग जाताना माइनस करणार। अरे उलट करायचं रे राजांनो, उलट करायचं तुम्हाला सगळं, येतंय का आता डोक्यात? तुमको ध्यान में आ रहा है मैं पक्का क्या बोल रहा हूँ? पूरा उल्टा करना है सुनिया, ठीक है? चलो तो अभी इतना याद रखना माय डियर कि यहाँ पे अपन ने ये कर दिया, अपन ने यहाँ पे क्या किया बोलो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ला अपन ऐड केलं, एडिशनल कैपिटल ला माइनस केलं, बरोबर। तो इतना होने के बाद ये जो मुझे मिलेगा ना, याला मी म्हणणार एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। याला मी काय म्हणणार बोला लवकर, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल म्हणणार। प्लीज लक्ष द्या मी काय म्हणतोय तुम्हाला, हे बघा, हमको क्या करना है सुनो, कि जब भी वहां पे अपन सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे राजा बेटा जी, तो वो टाइम पे वहां पे मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम वहां पे टाइम पास के लिए नहीं बनाते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम इसलिए बनाते क्योंकि वहां पे मुझे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस चाहिए होता है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने के लिए कांड करना पड़ता है। जो कांड है मेरा यहाँ पे, मुझे क्या निकालना पड़ता है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। मुझे क्या निकालना पड़ता है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे मुझे निकालना पड़ता है। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा, एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा। मैं वापस बोल रहा हूं, रट्टा मारने का नहीं, जे पण मुलं इकडे रट्टा मारतील ते सगळ्यात मोठे गाढव आहेत। काय सांगतोय मी, जे पण मुलं इथे रट्टा मारतील ते सगळेजण माझ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू नी 100% गाढव आहेत, है ना? मैं आपको इतना लॉजिकल सिखा, फिर भी नहीं समझ रहा है, कमॉन यार, है ना? मैंने आपको क्या बोला, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम ज्याला अपन अपन माइनस करतो त्याला आपण क्लोजिंग टू ओपनिंग ला ऐड करना, उलट करायचं रे बाबा, कळलं का आता नक्की तुम्हाला? ओके चलो, बहुत बढ़िया है। तो आपको ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे मिला, आपको यहाँ पे क्या मिला बोला, अभी
एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिला, बराबर। अभी आप लोग अगर ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से अगर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दोगे ना, काय मी तुम्हाला बोललो की जर तुम्ही एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मधून अगर आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हो तो यू विल गेट हियर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यू विल गेट व्हाट? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यहाँ पे आपको मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? ध्यान में आ रहा है आप सभी लोगों को? पक्का एकदम सोप्पा है, सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, राइट। देखो नेट प्रॉफिट मला केव्हा मिळणार? व्हेन आई विल गेट नेट प्रॉफिट। तो आई विल गेट नेट प्रॉफिट व्हेन माय, आई विल गेट नेट प्रॉफिट व्हेन माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, व्हेन माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन माई ओपनिंग कैपिटल। क्या बोला मैंने यहां पे आपको? अगर मेरा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल अगर ओपनिंग कैपिटल से बड़ा रहेगा तो वो मुझे क्या मिलेगा? यहां पे नेट प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मेरा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल अगर ओपनिंग कैपिटल से अगर छोटा होगा तो मुझे क्या मिलेगा? नेट लॉस मिलेगा। मुझे यहां पे क्या मिलेगा बोलो? नेट लॉस मिलेगा। इतना झेपा है क्या? अगर इतना झेपा है तो थम्सअप दे दो यार, इतना झेपा है तो थम्सअप दे दो जल्दी से, चलो इतना झेपा है तो थम्सअप दे दो माय डियर। अरे खूब सोप्पा है राजा, खूब सोप्पा है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती होगी, ठीक है। ध्यान में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती होगी माय डियर, ठीक है। पक्का समझा क्या? अगर समझाए तो हाँ बोलो, नहीं समझाए तो मुझे डाउट पूछो। देखो यार इसके मदद से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या यार आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा रे? सिर्फ 17 स्टूडेंट्स, इतना अच्छा पढ़ा के भी सिर्फ 17 स्टूडेंट्स, कम ऑन यार, फिर मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा आप सभी लोगों को पढ़ाने में? आपको लगता है क्या कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा? मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे रुकता हूँ रात रात भर यार, एकेडमी पे मैं रह रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लेट होता है। फिर कैसे चलेगा बोलो भला? हाँ फिर कैसे चलेगा बोलो भला? मुझे आप लोग पता नहीं यार आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आपको सबको सारी चीजें शॉर्टकट में चाहिए होगी तो सॉरी यार मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव शॉर्टकट, है ना। मेरे पास शॉर्टकट वाली कोई भी चीजें नहीं है भाई, जो भी है सिस्टमैटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपने को नहीं जमता वो शॉर्टकट, मतलब वो जो रहता है ना कि भाई ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इतना करेंगे तो ये मार्क मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे नाही आहेत, असले फालतूचे लाड आपल्याकडे नाही आहे, ठीक आहे। आपण तुम्हाला शिकवणार तर पूर्ण क्वालिटी शिकवणार बॉस, मग तुम्हाला ते रात्रीतून त्यांनी जागा जरी केलं तरी तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे, ठीक आहे। आपले पास वैसा बिलकुल नाही होगा जैसे आप सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, जाने दो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो मुझे चैप्टर अभी कंप्लीट करना है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना है मत देखो, मैं एज गुड एज जैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ वैसे समझ के पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बहुत नाराज किया आज आप लोगों ने मुझे, बहुत नाराज किया, ठीक है, जाने दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको नेट प्रॉफिट समझा कैसे निकालने का, राइट। मैंने आपको क्या बोला? क्लोजिंग कैपिटल से एडजस्टेड कैपिटल निकालो, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करो, नेट प्रॉफिट नेट लॉस वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्लीज ध्यान दो। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है माय डियर? इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कर रहे हैं? इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, समझा क्या? तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो उन्होंने यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे ना हमको एक एग्जांपल दिया है, प्लीज ध्यान दो। मैं आपको सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, द फॉलोइंग एग्जांपल कैन गिव आइडिया अबाउट द कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, राइट। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको ओपनिंग कैपिटल दिया कितना, 90,000। यहाँ पे उन्होंने हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया कितना, 1,50,000। यहाँ पे उन्होंने हमको एडिशनल कैपिटल दिया कितना, 10,000। और यहाँ पे उन्होंने हमको ड्रॉइंग्स भी दिया कितना, 15,000, बराबर। तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला, प्लीज जान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज जान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहां पे मैंने आपको ये बोला ना कि जब भी वहां पे मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाना होगा, बराबर, जब भी वहां पे मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाना होगा तो वो टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो मैंने आपको क्या बोला, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे मैं, प्लीज ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा। ऐसे बोला क्या नहीं बोला मैंने आपको? तो इतना हमेशा याद रखना माय डियर कि अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में, यहाँ पे देखो ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल त्यांनी मला इकडे क्लोजिंग कैपिटल दिलाय का नहीं दिलाय? हाँ, त्यांनी आपल्याला इकडे क्लोजिंग कैपिटल दिलाय, बराबर। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया उन्होंने, 1,50,000। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लोजिंग कैपिटल लिखा, इतना समझा। मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या करने का, ऐड करने का। मैंने आपको बोला ना क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या करने का यहाँ पे, तो ड्रॉइंग्स को ऐड करने का, एडिशनल कैपिटल को क्या करने का, माइनस करने का। ये होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। इसमें से तुम क्या माइनस करोगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करोगे जो यहाँ पे उन्होंने तुमको दिया है। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। अगर तुम्हारा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल अगर ज्यादा होगा ओपनिंग कैपिटल से तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। या अगर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल अगर छोटा होगा तो क्या मिलेगा, नेट लॉस मिलेगा। अभी समझा क्या? इतना समझा तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है, समझा? अगर नहीं समझा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है? मैंने आपको बहुत बार बोला है, ध्यान दो करके। आप वहां पे इंस्टाग्राम रील जैसे अगर देखते बैठोगे तो वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे कोई पोगो का चैनल नहीं चल रहा है, कार्टून नेटवर्क नहीं चल रहा है जो आपको वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। आपको पक्का ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर समझा तो हाँ या नहीं कुछ तो बोलो चैट सेक्शन में, हाँ या नहीं कुछ तो बोलो यार, अगर आपको समझाए तो। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? छोड़ो, जाने दो, मत बोलो, ठीक है? मैं एक बार वापस खुद को ही बोलता, मेरी एग्जाम है ना 11 की, आपकी तो नहीं है, मेरी एग्जाम है, बराबर ना? क्या मैंने आपको बोला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करूंगा, एडिशनल कैपिटल माइनस करूंगा, मुझे वहां पे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करूंगा, वहां पे मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा, इतना मुझे समझा, ठीक है? अभी मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अभी आगे यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया है सब फॉर्मेट, अभी छोड़ दो, मैं आपको सारी चीजें बोल दूंगा। ये फॉर्मेट अभी छोड़ दो, आपको ये कुछ याद रखना नहीं है, आपको रट्टा मारना नहीं है, रट्टा मारते बैठोगे तो पागल हो जाओगे दिमाग से, ठीक है? साइको हो जाओगे, जाना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल। ये आपको रट्टा मारना नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे, यहाँ पे मैं जा रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्लीज यहाँ पे सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ध्यान दिया तो तुम्हारे जाएगा दिमाग में, नहीं ध्यान दोगे तो जाएगा दिमाग के ऊपर से, ठीक है? प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, मुझे चिड़चिड़ करने मत लगाओ। तुम्हारी वजह से अगर मेरा बीपी शुगर कुछ अगर बढ़ा ना, वैसे कुछ है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, राइट? इधर ही गच के ना, तो देखो तुम्हारे ऊपर मैं कंप्लेंट फाइल कर दूंगा, याद रखना, है ना? तुम्हारे चिड़चिड़ के वजह से अगर मैं गच क्या ना इधर, तो देखो फिर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने दिया, मिस्टर मनोज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बराबर। तो यहाँ पे वो चिंटू क्या कर रहा है, नालायक इंसान, मनोज क्या कर रहा है बोलो, कर रहा है वो सिंगल एंट्री, ताप हमारे दिमाग को, बराबर ना? उसमें मेरे को ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, सिंगल एंट्री सिस्टम से कर रहा है, ठीक है? अभी वो क्या बोल रहा है, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 17, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 17, ओके। नीचे उन्होंने दिया कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18, 17 बोले तो शुरुआत का, शुरुआत का बोले तो ओपनिंग कैपिटल, अरे जाता क्या नहीं कुछ डोक्से में बावट लोगो, ठीक है? और नीचे यहाँ पे उन्होंने क्या दिया जल्दी से, यहाँ पे कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18 बोले तो ये क्लोजिंग कैपिटल, अरे कुछ तुम्हारे डोके में जाता के नुस्ते रहता है, अरे रे बाबा क्या बोला मैंने तुमको, यहाँ पे 17 बोले तो ओपनिंग कैपिटल, 18 बोले तो क्लोजिंग कैपिटल, इतना भी नहीं झेपे तुमको है? आगे उन्होंने क्या दिया हमको, ड्रॉइंग्स मेड दिया है, ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स है, अरे बावट ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स है क्या नहीं है, काय विचारतो मी तुम्हाला? आणि लास्ट में इकडे त्यांनी आपल्याला ऍडिशनल कॅपिटल दिले, म्हणजे आपलं ऍडिशनल कॅपिटल आहे, एवढं जातंय का तुमच्या डोक्यात? आता तुम्ही मला सांगा, त्यांनी आपल्याला काय विचारलंय, प्रॉफिट और लॉस आपण काढू शकतो का? काढू शकतो, तेवढंच तर आपल्या येतं आयुष्यात, बरोबर आहे का नाही? तर कसं करायचं, आपण कैसे करेंगे, तो वहां पे सबसे पहले आपण लिखेंगे क्लोजिंग कॅपिटल, अरे बोला रे बाबा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ पे ड्रॉइंग्स को क्या करता, अरे बोल रहे क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा, एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा। दिमाग में बैठा क्या, कोपड़े में जाता क्या कुछ? मैंने तुमको क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करने का,
एडिशनल कैपिटल को माइनस करने का, इतना कांड करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल माइनस करो। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग माइनस करोगे, अगर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। अरे जेपी के नहीं, जेपी तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी उन्होंने यहाँ पे हमको क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया, 1 लाख, देखो 1 लाख लिखा। अरे ध्यान दो इधर स्क्रीन पे देखो पूरे, मतलब सच्ची ना मुझे जिंदगी में सबसे पागल लोग अगर कोई मिले ना तो आप ही मिले ऐसे लग रहा है। देखो प्लीज ध्यान दो मैं बोल क्या रहा हूँ, तुम्हारा काय विचारतोय मी, काय कळतं का नाही तुम्हाला? हाँ बघा आता किती छोटं करू अजून मी, मुंगी एवढं करू का स्वतःला, काय त्रास देत आहे तुम्ही आज मला? चलो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, मी तुम्हाला काय विचारलं इकडे बघा। बघा उन्होंने मुझे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख दिया है, तो यहाँ पे 1 लाख लिखू? अरे जेपे के नहीं, जेपे माकड़ो कुछ तो बोला, इसे मारूंगा ने तो उधर आके, राइट। फिर उसके बाद क्या करने का, ड्रॉइंग्स को क्या करने का ऐड, तो देखो यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिया 3000, उसको किया ऐड, इतना जेपे। फिर उन्होंने इसका लिखा है टोटल, फिर एडिशनल कैपिटल यहाँ पे उन्होंने दिया 8000, एडिशनल कैपिटल को माइनस करने का, ये आया उसका इफेक्ट माइनस करने के बाद, उसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा नेट प्रॉफिट। कुछ समझा के नहीं समझा, कुछ समझा के नहीं समझा, हे भगवान कैसे मिल रहे मेरे को ये बाबा, अरे समझा के नहीं, अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोलो, कैसे रे तुम, कैसे ले ऐसे आशे कशे रे तुम्ही, आशे कशे भर तुम्ही है सच्ची, आज तुमको बहुत गालियां देने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया आगे, सगे मला ना बटाटे मिळाले, बटाटे ते नसत का सगळं चांगल्यावर राहतं ना खाली, राईट, ते सगळे मला मिळालेत बघा, निवडक मला इकडे कोण मिळालेत, निवडक मुलं मिळाली आहेत, निवडक जे असे असे निवडून निवडून ठेवतात ना टीचर्स लोक, ज्यांना कोणीच नाही मिळत त्यांना सारंगसार मिळालेत असंच वाटतंय मला आजकाल, ठीक है। चलो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी गला वगैरह खुद की, अभी कुछ तो रिस्पॉन्स करो बेशर्मो, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, वैष्णव बेटा कल से 12th का ले लूंगा, डोंट वरी, कल से मैं 12th का ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने दिया है मुझे ओपनिंग कैपिटल 62,000, बराबर। आगे उन्होंने यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिया, एडिशनल कैपिटल दिया, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ठीक है ना। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ड्रॉइंग्स एड किया, एडिशनल कैपिटल माइनस किया, एडजस्टेड क्लोजिंग मिला, उसमें से ओपनिंग माइनस करूंगा, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अभी समझा क्या? ए चलो एक बार मुझे रिस्पांस करो भला, प्लीज सब लोग एक बार मुझे रिस्पांस करो, प्लीज सब लोग मुझे एक बार रिस्पांस करो जल्दी से, इतना झेपा क्या तुमको? हाँ झेपा क्या? बोलो ना रे, इतना झेपा क्या पक्का? ठीक है चलो बहुत बढ़िया है, 1 नंबर, ओके। सरा दिखते ही नहीं हो, हाँ अभी दिख रहा हूँ क्या मैं? देखते नहीं हो, कमेंट तो देख रहा हूँ ना मैं, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा हूँ? चलो अभी बगो बगो खुटे आता बगा पूरे दिन निकाय दिले, ठीक है। अरे अभी ना ए सुना अभिया, बिल्कुल भी मस्ती नहीं, मुझे एक बार पानी पीने दो, मतलब मेरा जरा गुस्सा कम हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो आज इधर 2-4 हो जाएंगे, राप 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 राप, है ना, रुको जरा। वैसे खाना वाना खाया कि नहीं आप लोगों ने? खाना वगैरह तो खा लिया होगा, वैसे आजकल की जो चिंटी लोग होते हैं वो रात का खाना तो बहुत बारी खाते है ना, जैसे पाव भाजी खाना, सैंडविच खाना, पानी पूरी खाना, 2 पानी पूरी खाएंगे बोलेंगे वाव मेरा पेट भर गया आज, है ना। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, जल्दी से ध्यान दो, चलो जाने तो छोड़ो, देखो यहाँ पे क्या दिया है अभी ना माय डियर, ये जो मेरा प्रॉब्लम नंबर 3rd है ना, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3rd में प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 3rd में ना यहाँ पे ना हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ठीक है। मतलब वहां पे मैंने ड्यूरिंग दिया, प्रॉफिट किया क्या लॉस किया वो वहां पे मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, इतना तो समझाना प्लीज एक बार, है ना, एक बात अच्छे से समझ लो मेरी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सुनो। अभी इसके आगे हमको यहाँ पे जितनी भी चीजें करनी है ना, तो यहाँ पे हमको हमेशा 3 चीजें करनी पड़ेंगी सिंगल एंट्री में। सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ क्या करना पड़ेगा बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुझे अफेयर्स करने हैं जिंदगी में, कौन से करने पड़ेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना पड़ेगा, बराबर। सेकेंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे
और ये जो मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहेंगे, ये मेरे कौन से रहेंगे बोलो? तो ये मेरे रहेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, समझा क्या? और तीसरा यहाँ पे जो भी मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना है, नहीं, तीसरा यहाँ पे मुझे जो भी करना है ना, तो यहाँ पे मुझे करना है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मुझे तीसरा क्या करना है बोलो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीसरी यहाँ पे मुझे चीज प्रिपेयर करनी, याद रहेगा? ठीक है, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग से क्या मिलेगा? मैंने आपको बोला ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, है ना। और यहां से मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, बराबर। तो मुझे यहाँ पे अगर प्रॉफिट और लॉस को अगर फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतना समझा पक्का? तो देखो अभी यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो कि मैं कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस को कब फाइंड आउट करूंगा, कब केस कब फाइंड आउट कर पाऊंगा बोलो? जब वहां पे मुझे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता है तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा ना। अरे देखो ना, यहाँ पे अपन ने वही तो किया कि अगर मान लो मुझे क्लोजिंग कैपिटल या मुझे ओपनिंग कैपिटल पता ही नहीं रहेगा तो मैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकाल ही नहीं सकता हूँ, समझा क्या? तो इतना याद रखना कि जब भी वहां पे मुझे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालना है ना, तो उसके पहले वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके पहले वहां पे मुझे अगर उन्होंने ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा तो वहां पे मुझे ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल प्रिपेयर करना, मतलब वहां पे मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फाइंड आउट करके वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना पड़ेगा। मुझे क्या करने का पड़े बोले जल्दी से, मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, याद रहेगा क्या? बताओ जल्दी से मुझे। इज दैट क्लियर माय डियर? इज दैट क्लियर माय डियर? बोले जल्दी से मुझे फटक करके, राइट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझा होगा, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? अभी देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन के अंदर प्लीज मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो भी क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे उन्होंने मुझे कैपिटल दिया नहीं है। सेकंड क्वेश्चन तक क्या था? वहां पे उन्होंने मुझे डायरेक्टली ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल दिया था। थर्ड क्वेश्चन के आगे यहाँ पे उन्होंने मुझे जितने भी क्वेश्चन दिए ना, वो किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कैपिटल दिया हुआ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल निकालना पड़ेगा। देखो माय डियर, सिंगल एंट्री का जो क्वेश्चन है ना, आपको 10 से 12 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। 8, 10 या 12, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये तीन में से ही एक चीज आपको आएगा, समझा? तो 10 मार्क के लिए अगर आपको आता है, और मान लो वहां पे अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना दिया, वहां पे आपने ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लिया, तो भी आपको वहां पे 5 से 6 मार्क्स मिल जाएगा, समझा क्या? आपको बहुत आसान है। अभी ध्यान दो, 12th का क्लास बेटा मैं कल ले लूंगा, हाँ ठीक है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने मुझे डायरेक्टली कैपिटल दिया है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? प्लीज ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मालूम है क्या आप लोगों को? जैसे यहाँ पे ना मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ बताओ जल्दी से मुझे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे ओपनिंग भी बनाऊंगा और क्लोजिंग भी बनाऊंगा। प्लीज एक क्वेश्चन ध्यान दो, आपको समझ जाएगा करना क्या है, ठीक है। देखो यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। अभी इतना याद रखना माय डियर कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ना, ये आप यहाँ पे ओपनिंग भी बना सकते हो और क्लोजिंग ऐसे अलग अलग भी बना सकते। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी है, ये आप ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। या अगर आपको चाहिए ना तो आप एक साथ भी बना सकते हो। कैसा? सुनो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक साथ आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लाइबिलिटीज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लाइबिलिटीज, बराबर है ना। यहाँ पे मैं लेफ्ट में क्या लिख रहा हूं बोले जिसे मुझे? लाइबिलिटीज लिख रहा हूं। और यहाँ पे राइट में लिख रहा हूं मैं एसेट्स, यहाँ पे राइट में मैं लिख रहा हूं एसेट्स, इतना समझा। अभी मुझे एक बात बोलो कि यहाँ पे उन्होंने मुझे 2 साल की फिगर दी है, पहला 17 का दिया और दूसरा 18 का दिया है, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18, और यहाँ पे भी वैसा ही करूंगा 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18, इतना समझा क्या? अभी इतना एकदम अच्छे से दिमाग में रखना कि ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है ना 17, तो 17 बोले तो ये मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ये 17 मतलब क्या है? मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, याद रहेगा क्या? ये जो भी मेरा 18 है ना, ये 18 मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, समझा क्या? ध्यान देना मैं क्या बोल। देखो आप एक साथ भी बना सकते हो
और यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको एक साथ करना है तो आप एक साथ भी करो, यहाँ पे टाइम बचेगा आपका, ठीक है। देखो उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में है ना, प्लीज मेरी बात समझो, यहाँ पे उन्होंने 17 का अलग किया है और यहाँ पे उन्होंने 18 का अलग किया है, समझा। तो अपन अलग अलग नहीं करेंगे, अपने पास जिंदगी में इतना ही काम नहीं, हमारे पास बहुत सारे काम है, तो अपन क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मुझे एक बात बोलो, कैश है, कैश कैश हमारा एसेट है क्या लाइबिलिटी है? सब लोग मुझे चैट सेक्शन में बोलोगे, कैश जो भी है ये कैश मेरा एसेट है क्या लाइबिलिटी है? कैश जो भी है ये मेरा एसेट है क्या लाइबिलिटी? एसेट है। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा एसेट में जाऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा कैश, यहां पे लिखूंगा कैश, ओके। अभी ओपनिंग का कितना था, 1500 और 1000, बराबर ना। तो यहां पे मैं ओपनिंग में लिखूंगा 1500, क्लोजिंग में लिखूंगा 1000, क्लोजिंग में लिखूंगा 1000। इतना समझा क्या, इतना समझा क्या, बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, सन्ड्री डेटर्स दिए कितना, 30,000 और 46,000, बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स, यहां पे मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग का कितना 30,000, ओपनिंग का कितना 30,000 और क्लोजिंग का कितना 46,000, 46,000, ध्यान में आएगा पक्का। मैं बस क्या कर रहा हूं, एसेट वाले आइटम एसेट में लिख रहा हूं, लाइबिलिटी वाले आइटम लाइबिलिटी में लिखूंगा, समझा क्या। अभी आगे क्या दिया, यहाँ पे उन्होंने मुझे स्टॉक दिया है कितना, 35,000, 31,000, 35,000, 31,000, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक, यहाँ पे लिखूंगा 35,000 और यहाँ पे लिखूंगा 31,000, इतना याद रहेगा पक्का, इतना समझा के बताओ जल्दी से मुझे। अरे खूब सोप है राजा बेटा जी, खूब सोप है, विश्वास है, खूब सोप है, ठीक है। अभी आगे देखो क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 61 and 75, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी 61,000 और इधर लिखूंगा 75,000, इतना याद रहेगा पक्का, 61,000 and 75,000, इतना समझा पक्का क्या किया मैंने, ठीक है। अभी आगे उन्होंने क्या दिया, देखो जल्दी से आगे उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, ध्यान दो। तो आगे उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बराबर। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बोथ आर माई लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा लाइबिलिटी में, यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और नीचे लिखूंगा बिल्स पेबल, नीचे लिखूंगा बिल्स पेबल, याद रहेगा क्या पक्का, ठीक है। अभी देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे कितना दिया उन्होंने मुझे, 15,000, 13,500, तो यहाँ पे लिखूंगा 15,000, यहाँ पे लिखूंगा 13,500, इतना समझा पक्का क्या किया। और नीचे उन्होंने बिल्स पेबल दिया है, तो यहाँ पे ओपनिंग का तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग का 4,000, तो ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में लिखूंगा 4,000, इतना समझा क्या, इतना समझा क्या बोलो। तो यहाँ पे मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। अभी क्या करना है समझ लो, काय करायचं लक्ष द्या, लक्ष द्या रे पोरांनो, लक्ष द्या रे बाबा। हाँ अभी क्या करने का सुनो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 17 का भी टोटल ले लूंगा और 18 का भी टोटल ले लूंगा। तो 17 का यहाँ पे पहले मुझे इसका टोटल बताइए कितना आएगा, 17 का मुझे जल्दी से सब लोग टोटल बताओ रे, इतना तो कर सकते हो ना जिंदगी में, ये भी नहीं कर सकते तो जी के मतलब क्या है, बोले से मुझे कितना आएगा। तो ये आएगा 1,27,500, समझा क्या, यही टोटल को यहाँ पे लिखू 1,27,500, इतना समझा के बोलो। और फिर क्या करूंगा, ये 1,27,500 में से ये 15,000 माइनस करूंगा, तो माइनस 15,000, तो यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल, ये मेरा आया कैपिटल। तो ओपनिंग का कितना आएगा, 1,12,500, ये मेरा क्या है बोलो, ओपनिंग कैपिटल आया। अपने को क्वेश्चन नंबर सेकंड तक उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड के आगे, ये आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल उन्होंने दिया हुआ नहीं रहेगा, जहां पे उन्होंने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा, याद रहेगा क्या पक्का मैं क्या बोल रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आती होगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने आगे क्या बोला है, प्लीज ध्यान दो। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 18 का करना है, इसका टोटल लो, तो ये कैसे आएगा, 75,000 प्लस 31,000 प्लस 46,000 प्लस 1,000, तो ये कितना आएगा, 1,53,000, ये कितना आएगा, 1,53,000, याद रहेगा पक्का, याद रहेगा क्या बोले जी से मुझे फटाफट, राइट। अभी क्या करना है सुनो मेरी बात, अभी क्या करना है सुनो मेरी बात, बोले जी से यहाँ पे 1,53,000 में से ये दो फिगर्स को माइनस करूंगा, तो माइनस 17,500, तो ये कितना आएगा, 1,35,500, ये कितना आएगा, 1,35,500 आएगा, समझा। और इतना याद रखना कि ये जो भी मैंने निकाला ना, दैट इज माई ओपनिंग कैपिटल,
एंड दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल, याद रहेगा क्या पक्का? ये मेरा क्या आएगा बोलो, ओपनिंग कैपिटल, ये मेरा क्या आएगा क्लोजिंग कैपिटल। इतना समझा क्या? अगर इतना समझा तो प्लीज हाँ तो बोल दो यार, इतना समझा तो प्लीज हाँ तो बोल दो, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना पक्का, ठीक है। और अभी मैंने आपको नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बोला था, चलो याद है आपको, मैंने आपको बोला था वहां पे क्लोजिंग कैपिटल, मैंने आपको क्या बोला था बोलो, क्लोजिंग कैपिटल, बराबर है क्या? यहाँ पे ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे, लेकिन अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है, ऐसा हेडिंग लिखेंगे। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, क्लोजिंग कैपिटल, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखूंगा, क्लोजिंग कैपिटल, बराबर। अभी क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या करूंगा, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल को ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा, और क्लोजिंग कैपिटल को एडिशनल, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, याद रहेगा क्या? तो ये करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ये करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, समझा? और ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करूंगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करूंगा, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूंगा, और इससे मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा या मुझे क्या मिलेगा, नेट लॉस मिलेगा। इतना फॉर्मेट याद रहेगा क्या? अभी देखो यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला, 135,500, तो यहाँ पे लिख रहा हूं 135,500, इतना समझा? मैंने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितना निकाला, 112,500, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ओपनिंग कैपिटल 112,500, इतना समझा कि ओपनिंग कैपिटल को माइनस, माइनस मतलब ब्रैकेट में, माइनस मतलब ब्रैकेट में, माइनस मतलब ब्रैकेट में, इतना समझा के बोले जी से मुझे, इज दैट क्लियर माय डियर? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इतना झेपा होगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल, बराबर। तो अभी चेक करो, उन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया देखो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस 15,000 इज एडिशनल कैपिटल, बराबर। तो एडिशनल कैपिटल कितना है, 15,000, एडिशनल कैपिटल काय करायचं, माइनस, एडिशनल कैपिटल काय करायचं, माइनस, कळतंय का? आणि ड्रॉइंग्स बघा किती दिलंय, 2,500 एवरी मंथ, ओहो, ध्यान दो, इधर वो हमको निकाल रहा है पागल में, लेकिन हम निकलेंगे नहीं पागल में, समझा? देखो 2,500 एवरी मंथ बोल रहा है रे, वो बोले तो 2,500 अगर एक मंथ का है तो 12 महीने का कितना, अगर 2,500 अगर मेरे एक मंथ का है तो 12 महीने का कितना बोलो, 2,500 इंटू 12, मतलब यहाँ पे मेरा टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा, 30,000, यहाँ पे मेरा टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा, 30,000 होगा, समझा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर 30,000, यहाँ पे देखो ड्रॉइंग्स कितना लूंगा, 30,000 लूंगा, समझा क्या? फिर ये होने के बाद, ये तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद, यहाँ पे मेरा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, यहाँ पे मेरा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, 150,500, यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, 150,500, इसमें से ओपनिंग कैपिटल क्या कर दूंगा मैं, 112,500 वाला माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे देखो अभी मेरा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग कैपिटल, बराबर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट कितना, 38,000, समझा क्या कैसे करना था? सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, प्लीज भरोसा रखो मेरे ऊपर, सिंगल एंट्री है सबसे इजी चैप्टर है। क्या किया मैंने सिंगल एंट्री में, प्लीज मेरी बात समझ रहे आप लोग, मैंने क्या किया, अगर उन्होंने मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एकदम नॉर्मल बैलेंस शीट जैसा बनाऊंगा, लेकिन ऊपर में बैलेंस शीट लिखूंगा क्या, ना जी ना, ऊपर में क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखूंगा, पहले क्या करूंगा अलग अलग बनाऊंगा क्या, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग क्लोजिंग का इतना टाइम नहीं है, दोनों साथ में बनाऊंगा। अगर आप अलग अलग करोगे तो क्या होगा साला, ये दो ये फॉर्मेट आपको दो दो बार करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीन दो दो बार लिखो, इतना अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ बनाया, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आया, फिर मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने फॉर्मूला जो बोला वो वहां पे बताया, क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, तो इससे अपने को क्या मिलेगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, इससे हमको क्या मिलेगा,
एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, बराबर। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से यहाँ पे अपन माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्या माइनस करेंगे यहाँ पे अपन ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा, इतना समझा के बताओ। देखो माय डियर, ये सिंगल एंट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये सिंगल एंट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इतना समझा के बोले जल्दी से मुझे, इतना समझा के बोले जल्दी से मुझे। अरे भाई अलग करो एक साथ करो, कुछ नहीं होता यार, यहाँ पे आंसर बराबर आया ना मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, आपको आंसर का मार्क्स मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो यार। गलत थोड़ी बोलूंगा आपको मैं कुछ, आज तक कभी गलत सिखाएगा, गलत कभी नहीं होगा अपने यहाँ पे, ठीक है। इतना समझा के बोले जल्दी से मुझे फटाक करके। ये स्मार्ट वर्क है, ये गधे वर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क बोलते इसको, ठीक है। अनि ये अपना आंसर आ गया, इतना सोपा तो है सिंगल एंट्री, क्या टफ था बोलो वाला इसमें, नहीं इसमें तुम मुझे बोलो क्या बहुत टफ है क्या कुछ साला। ये दो चीज का, ये इतना दो इसका फॉर्मूला तुमको याद नहीं रह सकता, ये इतना सा फॉर्मूला तुमको नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या पक्का मैं काय बोलतो है। हे भगवान, अरे काहीतरी तो बोला यार, जर काय आलं तर हो म्हणा, नाही काय आलं तर डाउट विचारा, काहीतरी तो बोला तुम्ही, काय विचारतोय मी तुम्हाला, कळतंय का नक्की। यू ऑल गाइज आर व्हेरी डिस्गस्टिंग, बोलो यार जल्दी से, क्यों तंग कर रहे हो मुझे इतना, बोलो फटाक करके, समझा ना पक्का, ठीक है। चलो अभी ना एक बात सुनो, अभी एक बात सुनो, थोड़ा अभी हायर लेवल पे जाएंगे, लास्ट प्रॉब्लम कर रहा हूं, देखो ये प्रॉब्लम समझ जाओ, सिंगल एंट्री डूम फिनिश, ठीक है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो माय डियर, ये जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपन ने निकाला ना, अभी क्या होता है मालूम है क्या, कभी कभी वो हमको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे। प्लीज ध्यान दो, अभी ये जो डिस्कशन है हार्डली 15 मिनट का डिस्कशन है, ये डिस्कशन अगर आपको समझ गया तो आपको सिंगल एंट्री पूरा आ गया, यहां तक सिंगल एंट्री बराबर ही है, कुछ गलत नहीं है। आपने मान लो इतना भी करके आया ना, अगर एग्जाम में आपका दिमाग कुछ चला नहीं, आपने इतना भी किया ना, तो आपको 10 में से 7-8 मार्क्स मिल जाएगा। आपने अगर इतना भी किया, अरे भाऊ काय सांगतोय मी तुम्हाला, जर तुम्ही एवढं जरी केलं ना तरी तुम्हाला 7-8 मार्क्स मिळतील आउट ऑफ 10, कळतंय का तुम्हाला मी काय बोलतोय, ठीक आहे। हां अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ना थोड़ा अभी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, ध्यान दो। देखो माय डियर, अभी आपको क्या समझना है, देखो आपने इतना करके क्या निकाला बोलो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला, बराबर। लेकिन कभी कभी वो हमको क्वेश्चन में क्या करते हैं मालूम है क्या, कुछ एडजस्टमेंट्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो हमको एडजस्टमेंट देंगे, पहला डेप्रिसिएशन का, पहला वो एडजस्टमेंट कौन सा देंगे हमको, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देंगे, या सेकेंड वहां पे वो आपको एडजस्टमेंट देंगे वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन का, सेकंड किसका एडजस्टमेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट देंगे, तीसरा वो वहां पे मे बी आपको एडजस्टमेंट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तीसरा किसका देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देंगे, चौथा वहां पे मे बी आपको देंगे सैलरी या अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, क्या देंगे, सैलरी और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ये आपको एडजस्टमेंट दे सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मान लो वो आपको और क्या दे सकते, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे उन्होंने आपको क्या किया रहेगा, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ऑफ स्टॉक ऐसे कुछ वो आपको एडजस्टमेंट देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे कोई भी अगर एडजस्टमेंट दिए रहेंगे ना, तो आपको क्या करना है, ये जो भी आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखा है ना, आपको बस इसके आगे एक वर्ड लिखना है, और वो आपको लिखना है बिफोर एडजस्टमेंट। आपको क्या लिखना है इसके आगे, बिफोर एडजस्टमेंट लिखना है, एकदम सोपा है, ध्यान दो, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा हूं मैं। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में इसमें से अगर कुछ नहीं दिया है, ये जो मैंने अभी आपको फाफट पसारा बोला ना, अगर मान लो आपको इसमें से कुछ नहीं दिया है, तो लाइफ एकदम ईजी है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करने का, इतना ही तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया, इतना ही तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि एग्जामिनर को बहुत मस्ती है, उनको तुम्हारी मजे लेने की, ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, ऐसे कुछ गंदी का गंदी एडजस्टमेंट वहां पे आपको देंगे, यानी बोलेंगे चलो अभी निकालो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, तुम अपने स्टूडेंट है, तो क्या करने का, सिर्फ ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के आगे क्या लिखने का, यहाँ पे बिफोर एडजस्टमेंट इतना वर्ड चिपका देने का, क्या लिखने का बोलो यहाँ पे, बिफोर एडजस्टमेंट इतना वर्ड चिपका देने का, इतना चिपकाया बोलो जल्दी से चैट सेक्शन में, चिपकाया वहां पे चैट सेक्शन में, सब लोग मुझे लिख के भेजेंगे चिपकाया, चैट सेक्शन में सब लोग मुझे लिख के भेजेंगे चिपकाया, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है, आता है खूब इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य दिया,
अरे ओ ए पोरनो, आता है खूब जास्ता इम्पोर्टेंट है, कहते है का अभी तू मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाया बराबर। अभी मुझे एक बात बोलो तुम कि जब भी फॉर एग्जाम्पल वहां पे मेरा डेप्रिसिएशन होगा, क्या होगा डेप्रिसिएशन बराबर, तो डेप्रिसिएशन मतलब मेरा फायदा क्या नुकसान, इतना तो तुमको कॉमन सेंस है। अरे राजा बेटा जी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जल्दी से बोलो। देखो मुझे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मंजे माजा फायदा का नुकसान, डेप्रिसिएशन मतलब मेरा फायदा क्या नुकसान, प्लीज मुझे बोलो, प्लीज हाथ जोड़ के विनंती तुमको बोलो यार, डेप्रिसिएशन मतलब माजा फायदा का नुकसान, माजा नुकसान बरोबर। तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन लॉस है तो लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या होना, लॉस में प्रॉफिट क्या होना, लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या होगा कम होगा, लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या होगा कम होगा, समझा। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, कि देखो एकदम सोपा है, प्लीज ध्यान दो, आपकी जिंदगी ना मैं ऐसी बना दूंगा ना, सिर्फ आप थोड़ा तो मेरे सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सुनो तो सही तुम। अभी देखो तुमको करना कि आपने बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाया, अभी आपको एक बात याद रखना है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, आपको याद है कह रहे सुनो मेरी बात, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितने भी आइटम लिखते थे वो आपके एक्सपेंसेस थे, वो आपके एक्सपेंसेस थे बराबर, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में यहाँ पे जितने भी आइटम्स आप लिखते थे वो आपका इनकम था, वो आपका क्या था बोलो इनकम था। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, ये बिफोर एडजस्टमेंट आपने एक बार चिपकाया ना, यहाँ पे आपने क्या चिपकाया बिफोर एडजस्टमेंट एक बार चिपकाया ना, तो अभी आपको क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाली जितनी भी चीजें उन्होंने आपको दी रहेंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा, उन्होंने वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा, उन्होंने वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, तो ये सभी तुम्हारा लॉस है। अरे ये सभी का सभी बिजनेस का लॉस है ना, मतलब ये सभी का सभी तुम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हो फाइनल अकाउंट्स में। तो इतना याद रखना कि जो भी आइटम तुम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हो ना फाइनल अकाउंट्स में, वो तुमको क्या करने हैं, ये डेबिट वाले सारे आइटम्स इधर से माइनस करने के, क्या करने के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाले सारे आइटम्स तुमको क्या करने के बोलो, इधर से क्या करने का बेटा, माइनस करने का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट के जितने भी आइटम्स है वो इधर तुमको प्लस करने का, समझा क्या, एक बार वापस क्या बोल रहा हूं सुनो। देखो माय डियर तुमको नॉर्मल क्वेश्चन आया विदाउट एडजस्टमेंट तो यहां तक ही तुम्हारा आंसर होगा, अगर एग्जामिनर को मस्ती है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट देगा, तो वहां पे आपको एक वर्ड चिपकाना है जिसको अपन बोलेंगे बिफोर एडजस्टमेंट। फिर क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तुम जो भी लिखते थे मतलब तुम्हारा खर्चा था, तो खर्चा मतलब लॉस, तो तुम क्या करोगे नेट प्रॉफिट में से वो सारे एडजस्टमेंट माइनस करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट वाले जितने भी आइटम थे वो तुम्हारा फायदा था, मतलब तुम इधर क्या करोगे ऐड करोगे। इतना समझा क्या बोलो, इतना समझा क्या बोलो यार, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जितने भी आइटम्स थे वो तुम वहां पे क्या करेंगे बोलो ऐड करोगे। इतना समझा क्या बोलो, आपको ये समझा एक्सपेंसेस को क्या करने का, अरे बाबा जितने भी तुम्हारे एक्सपेंसेस रहेंगे वो एक्सपेंसेस को क्या करने का माइनस करने का, इसके आगे कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे तो माइनस करने का, कुछ इनकम रहेगा तो ऐड करने का, कुछ इनकम रहेगा तो ऐड, एकदम सीधा है ना यार। खर्चा मतलब प्रॉफिट कम होगा ना, अरे माय डियर खर्चा मतलब प्रॉफिट कम होगा तो इसलिए मैं एक्सपेंस को माइनस करूंगा, इनकम मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम को प्लस करूंगा, क्या बोला खर्चा मतलब प्रॉफिट कम होगा तो खर्चे को माइनस करेंगे, इनकम मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम को ऐड करेंगे। अभी समझा क्या, काय राव तुम्ही कळतच नाही राव तुम्हाला, मी तुम्हाला काय सांगतोय लक्ष देताय का, काय बोललो मी तुम्हाला, जर तो आपला एक्सपेंडिचर असेल तर आपला प्रॉफिट कमी होणार, प्रॉफिट कम मतलब माइनस करने का, इनकम मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब वहां पे ऐड करने का, ठीक है। तो इतना याद रखो ना, आपका यहां पे आएगा फिर नेट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे आपका क्या आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या आएगा बोलो हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा। इतना समझा क्या बोले जल्दी से मुझे, अगर इतना समझा ना माय डियर तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दे दो, अगर इतना क्लियर रहेगा ना माय डियर तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दे दो जल्दी से, इतना समझा ना माय डियर तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दे दो जल्दी से, एकदम अच्छे से समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला, एकदम अच्छे समझा क्या। एक क्वेश्चन करके दू इसके ऊपर का, एक लास्ट क्वेश्चन करके दू आज का, तो आपको मतलब सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाएंगे आपको सारे को। देखो माय डियर एकदम सोपा है सिंगल एंट्री, क्यों छोड़ रहे हो, एकदम अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको देखना है आप देखो ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा करना है आज। चलो अभी कल से मेरे पास टाइम नहीं फिरा, फिर मेरा डेप्रिसिएशन का जो भी बचा है वो कंप्लीट करवा के दे दूंगा तुमको ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है समझा, अभी करने का क्या वो समझ लेने का ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ माय डियर सुनो, तुमको एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवाता हूँ ओके,
तुमको थोड़ा सा क्या करता है, टफ क्वेश्चन करवाता हूं, मतलब तुमको सिंगल एंट्री पूरा आ जाएगा। ओके अभी देखो यहाँ पे अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सब लोग टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, आपके सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का सिंगल एंट्री का, ये होने के बाद अपना सिंगल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी लोगों को सिंगल एंट्री आ जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो मेरे ऊपर जरा। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्लीज बात को समझ लो, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। देखो यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया है ज्योति किप सर, ये सब टाइम पास है हमको निकलने का, क्या सुनो, प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमको प्रिपेयर करना है, बराबर। तो अभी देखो मुझे एक बात बोलो, आपको ये तो दिमाग है ना अभी कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट रहता, बैलेंस शीट मतलब एसेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, एसेट प्रीवियस ईयर करंट ईयर, इतना तो दिमाग में बैठेगा ना। तो देखो यहाँ पे उन्होंने जैसे बैंक बैलेंस दिए, ये क्या हमारा एसेट है, कैश बैलेंस है क्या है एसेट है, सन्ड्री डेटर्स क्या है एसेट है, स्टॉक क्या है एसेट है, फर्नीचर क्या है एसेट है, मशीनरी क्या है एसेट है, बराबर। तो आप लोग क्या करोगे, सारे आइटम को उठा के कहां पे लिखोगे, बोलो एसेट भी लिखोगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे कितने एसेट्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एसेट्स मैंने लिखे एसेट में, ये 6 एसेट मैंने एसेट में लिखे, इतना समझा के बोलो। अभी देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल मतलब लाइबिलिटी, बराबर। तो ये दोनों को उठाऊंगा कहां पे लिखूंगा, लाइबिलिटी में लिखूंगा ऑब्वियसली। देखो अभी हाँ मुझे कोई पूछ रहा था ना सर साथ में किया तो चलता क्या, तो देखो यहाँ पे उन्होंने साथ में किया है कि नहीं किया बोलो, मुझे एक बात बोलो, आप में से मुझे किसी ने बोला था ना कि सर साथ में किया तो चलता क्या, तो देखो यहाँ पे साथ में ही तो किया ना उन्होंने, यहाँ पे 17 यहाँ पे 18 दिख रहा है आपको, साथ में ही तो किया ना उन्होंने, यहाँ पे दोनों ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो साथ में चलता, ठीक है। अभी यहां से आपको क्या मिलेगा, अरे यार यहां तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे आपको क्या मिला बोलो, कैपिटल मिला, आपने ये टोटल इधर लिखा, आपने ये टोटल इधर लिखा, बराबर। अरे ये टोटल में से आपने ये माइनस किया, ये टोटल में से आपने ये माइनस किया, तो आपको ये मिला, अरे ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, तो ये मुझे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मिला, इतना समझा क्या गाइज, इतना समझा तो थम्स अप दे दो, इतना समझा तो एक बार चैट सेक्शन में हाँ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो यार, इतना समझा तो कुछ तो बोल दो, हाँ या नहीं कुछ तो बोल दो आप मुझे, मतलब मुझे ध्यान में आएगा मैं आगे क्या पढ़ाऊँ आपको, इतना क्लियर है क्या, बोले जल्दी से माय डियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इतना समझा होगा, ठीक है। अभी क्या करने का सुनो, देखो तो अभी ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखो, आप प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दोगे पक्का, 2 मिनट का ही बचे, प्लीज 2 मिनट ध्यान दो। अभी देखो मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो, अपन ने नॉर्मल क्या देखा था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल देयरफॉर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, इतना तो तुमको पता चला, बराबर। फिर उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना आपको एक चिपकाना है, क्या चिपकाना है बोले, यहाँ पे आपको बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाना है, मैंने आपको बोला ना, तो देखो ना यहाँ पे भी उन्होंने बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाया क्या, फिर यहाँ पे उन्होंने भी बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाया क्या, अरे यार कुछ तो बोले यार, बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाया क्या, नहीं चिपकाया, हे भगवान कैसे लोग मेरे यार, अरे कुछ तो बोले यहाँ पे बिफोर एडजस्टमेंट चिपकाया क्या, नहीं चिपकाया, चिपकाया, अरे फिर क्या करने का, यहाँ पे तुमको एडजस्टमेंट करने के, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। अभी जैसे ड्रॉइंग्स क्या करेंगे तुम, यहाँ पे सुनो 33,500 है ना, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, ये जो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है 353, यहाँ पे तुमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा, बराबर। यहाँ पे उन्होंने जो तुमको एडजस्टमेंट में 33,500 ड्रॉइंग्स दिया है, वो ड्रॉइंग्स को तुमने यहाँ पे ऐड किया, ड्रॉइंग्स को तुमने यहाँ पे ऐड किया, इतना समझा। फिर यहाँ पे देखो उन्होंने आगे हमको एडिशनल कैपिटल दिया है 5,000, बराबर है क्या, तो यहाँ पे उन्होंने देखो एडिशनल कैपिटल को क्या किया, माइनस किया, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमको क्लोजिंग कैपिटल आता, बराबर। फिर यहाँ पे उन्होंने हमको ओपनिंग कैपिटल दिया है, देखो ओपनिंग कैपिटल अपन निकाला 276,500, तो यहाँ पे अपन ने ओपनिंग कैपिटल को क्या किया, माइनस किया, बराबर। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, क्या मिला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, ये समझा तुमको चिपकाया वाला, ये बिफोर एडजस्टमेंट समझा क्या, इतना तो तुमको आता ही चेरे बाबा, अरे बोल तो रहा हूं वैसा ही तो है ये। अभी देखो तो हमने 2 एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है, ये पहला दूसरा कर दिया, अभी ध्यान दो। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, एडिशनल मशीनरी टू बी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 लाख ऑन कब परचेस किया, 1 जनवरी को, बराबर। अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मशीनरी कितना था, 90,000, एंड ऑफ द ईयर में कितना है, 1,20,000, मतलब यहाँ पे मशीनरी कितने से बढ़ा,
30,000 से बढ़ा, बराबर। ओके, जो भी ये मशीनरी 30,000 से बढ़ा वो उन्होंने परचेस कब किया, 1 जनवरी को परचेस किया। इसका मतलब क्या, सुनो, देखो आपने को यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा मशीनरी के ऊपर का, बराबर। तो यहाँ पे 90,000 तो मेरे पास पहले से था, अरे होका ना है, 90,000 मेरे पास एकदम शुरुआत से था। तो यहाँ पे देखो मशीनरी के ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन कितना बोला है मुझे, यहाँ पे देखो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% बोला है, बराबर। तो यहाँ पे 90,000 के ऊपर मैं 10% पूरे साल का लूंगा, क्योंकि 90,000 की मशीनरी मेरे पास एकदम स्टार्टिंग से थी। प्लस यहाँ पे ये जो 30,000 रुपया का मशीनरी मैंने लिया ना, तो मैं क्या करूंगा, ये 30,000 रुपया के ऊपर मैं 10% डेप्रिसिएशन लूंगा, लेकिन 10% ये पूरे साल का है। लेकिन यहाँ पे मैंने परचेस कब किया, 1 जनवरी को। इसका मतलब यहाँ पे मैं जो मशीनरी यूज किया वो जनवरी फेब्रुआरी मार्च कब किया, जनवरी फेब्रुआरी मार्च कब किया, जनवरी फेब्रुआरी मार्च। इसका मतलब है 30,000 के ऊपर मैं यहाँ पे 3 मंथ्स का ही लूंगा, समझा क्या। तो यहाँ पे 90,000 का 10% 9,000 और 30,000 का 10% 3,000, लेकिन ये पूरे साल का है, इंटू 3/12। तो 3,000 इंटू 3/12, तो ये मेरे हिसाब से देखो कितना आ रहा है, इंटू 3/12 ना, तो ये मेरा आ रहा है 750, समझा। तो योर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आएगा, व्हाट विल बी योर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सो इट विल बी 9,750। हाउ मच, 9,750, समझा। अभी तुम मुझे एक बात बोलो कि ये मशीनरी के ऊपर का जो भी डेप्रिसिएशन है, मशीनरी के ऊपर का जो भी अपन ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला कितना, 9,750, बराबर। तो इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा क्या कम होगा रे, इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा क्या कम होगा, डेप्रिसिएशन बोले तो प्रॉफिट कम होगा, डेप्रिसिएशन बोले तो प्रॉफिट कम होगा, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, समझा क्या आपको पक्का। देखो एकदम सोप पाए, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकाला ना, उसके बाद आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। अगर लॉस हुआ तो माइनस करना है, प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना है। क्या बोला, लॉस हुआ तो माइनस करने का, प्रॉफिट हुआ तो ऐड करने का। आपको कॉन्सेप्ट समझा क्या रे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है क्या, करना क्या होता है, आसान है क्या, टफ है बोलो, अरे बहुत आसान है यार, खूब सोपा है, बरोबर। अभी उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, और तो जैसे अपन ने यहाँ पे मशीनरी का किया ना, उसी प्रकार से यहाँ पे फर्नीचर भी करने का डेप्रिसिएशन, देखो ना उसी प्रकार से यहाँ पे फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन करने का 10% से। तो देखो यहाँ पे फर्नीचर कितना है, स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 18 है और क्लोजिंग में भी 18 है, मतलब वहां पे फर्नीचर उतना ही है। तो मैं क्या करूंगा, 18,000 के ऊपर 10% पूरा लूंगा, 18,000 के ऊपर 10% पूरा लूंगा, मतलब कितना 1,800। तो देखो यहाँ पे 1,800 माइनस किया होगा, देखो यहाँ पे उन्होंने हमको 1,800 माइनस किया होगा, दिख रहा है क्या, 1,800 माइनस किया दिख रहा है क्या फर्नीचर के ऊपर का, ध्यान में आ रहा है पक्का। तो ये ऐसे करने का। अभी देखो तीसरा क्या बोल रहा है, आरडीडी करने का। आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो मतलब क्या, हमारे डेटर्स कम करने का, आरडीडी की वजह से हमारे डेटर्स कम होंगे, हमारे डेटर्स कम होंगे मतलब मेरा नुकसान होगा, नुकसान मतलब माइनस, नुकसान मतलब माइनस, नुकसान मतलब माइनस। तो देखो यहाँ पे मेरे डेटर्स कितने है बोलो, तो यहाँ पे मेरे डेटर्स देखो क्लोजिंग का कितना है, सुनो मेरी बात, आप जब भी आरडीडी या डेप्रिसिएशन जो भी करते हो ना, आपको हमेशा क्लोजिंग के ऊपर करने का, किस पे करने का, क्लोजिंग पे। तो कितना है, 1,60,000 है ना, तो 1,60,000 का 15% कितना आएगा बोलो, 1,60,000 का 15% कितना आएगा, 24,000 आएगा, समझा। तो आपका आरडीडी कितना आएगा, 24,000, आरडीडी कितना आएगा फिर मेरे यहाँ पे 24 आएगा, समझा ना। तो देखो यहाँ पे उन्होंने आरडीडी 24,000 माइनस किया है क्या, देखो यहाँ पे उन्होंने आरडीडी 24,000 माइनस किया है क्या, अरे कुछ समझ रहे है क्या। देखो ना माय डियर, मैंने 1800 आपको सिखाया, 9750 भी सिखाया, 24,000 भी सिखाया, हे आपको पक्का ध्यान में आ रहा है क्या, हेलो क्या पूछ रहा हूं मैं आपको बेटा, अरे बहुत आसान है, थोड़ा तो भरोसा करो यार, कितना आसान है, इतने आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर भी नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा, हाँ कमाल हो गई यार आपकी, ठीक है। और देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अभी इसका मतलब समझो, ध्यान दोगे बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान दोगे, लास्ट एडजस्टमेंट एकदम लास्ट, ठीक है। देखो अभी मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस, रट्टा नहीं मारने का। क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द
एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक बराबर। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा कौन सा अकाउंट है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट है बराबर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखता, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखता बराबर। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मतलब यहाँ पे हमने ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड किया, ओवर वैल्यूड मतलब यहाँ पे हमने ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड किया। अभी तुम मुझे एक बात बोलो, तुम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करते, तुम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करते, और जब भी तुम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करते तो यहाँ पे तुमको ग्रॉस प्रॉफिट आता बराबर। तो अगर तुमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिखा होगा, अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा होगा मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा बराबर। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट को तुम प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे लेके आते, यही ग्रॉस प्रॉफिट को तुम प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे लेके आते, मतलब तुम्हारा ये वाला साइड ऑटोमेटिकली ज्यादा दिख रहा, मतलब ये वाला साइड ऑटोमेटिकली ज्यादा दिख रहा। और अगर ये साइड अगर ज्यादा होगा मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। समझा के एक बार वापस देखो, तुम्हारा अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा बोले तो इधर भी ज्यादा, इधर भी ज्यादा बोले तो ये भी ज्यादा, मतलब अल्टीमेटली अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ज्यादा है तो तुम्हारा अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ रहा, तो तुम्हारा अल्टीमेट इफेक्ट पड़ रहा नेट प्रॉफिट ज्यादा, अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ रहा नेट प्रॉफिट ज्यादा बराबर ना। तो जो ज्यादा नेट प्रॉफिट दिख रहा है उसको मुझे कम करना पड़ेगा का यार, जो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है ना वो ज्यादा एक्चुअल में थोड़ी नहीं ना, वो गलती से हुआ है तो उसको कम करो, ज्यादा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा उसको कम करने का। समझा क्या, ध्यान में आएगा। अभी कैसे करने का सुनो, वो क्या बोल रहा, ओवर वैल्यूड बाय कितना बोल रहा, 20% बोल रहा, ओवर वैल्यूड बाय 20% बराबर। इसका मतलब क्या कि अगर 100 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा जिसको 20% ओवर वैल्यूड मैंने बताया, मतलब 100 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक मैंने 120 में बताया, ध्यान में आ रहा है क्या, ओवर वैल्यूड बाय 20% मतलब 100 रुपया का अगर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो 20% ज्यादा बताया, मतलब 20 से ज्यादा बताया, मतलब मैंने बताया कितना 120 बताया, मतलब 100 का स्टॉक अगर मैं 120 में बता रहा हूं बराबर है क्या। तो एक्चुअल में देखो अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया यहाँ पे उन्होंने, तो एक्चुअल में उन्होंने दिया यहाँ पे हमको 90,000, एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90 ना, तो मैं 120 के नीचे लिखूंगा यहाँ पे 90,000 राइट। मतलब 100 रुपया अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो ओवर वैल्यूड 120 रहता, तो ओवर वैल्यूड अगर 90,000 है मतलब असली में यहाँ पे कितना आना चाहिए, असली में कितना आना चाहिए। तो ये कैसे करने का सुनो, तो ये कैसे करते, ये इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने का, और ये इससे क्या करने का, डिवाइड करने का। क्या बोला मैंने, ये इंटू ये इसको क्या करने का, मल्टीप्लाई, और इससे क्या करने का, डिवाइड करने का। समझा, तो बोलो कैसे आएगा, 90,000 इंटू 100 अपॉन 120, इतना समझा। तो कैसे करेंगे, ये कट ये कट, 12 5 जा 12 6 जा थे ना, अभी 3 3 जा मतलब यहाँ पे 30,000 और 3 2 जा 2 1 जा 2 15 जा मतलब 15,000, मतलब 15,000 इंटू 5 मतलब क्लोजिंग स्टॉक होना कितना चाहिए था, 75,000 होना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, 75,000 होना चाहिए था, है कितना 90,000 दिख रहा है, मतलब कितने से ज्यादा दिख रहा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक होना कितना चाहिए था बेटा, 75 होना चाहिए था, दिख रहा कितना है 90 दिख रहा है, बोले तो कितने से ज्यादा दिख रहा, 15 से ज्यादा दिख रहा। समझा क्या, तो 15 से ज्यादा दिख रहा बोले तो 15 से नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखता होगा, मतलब 15 से नेट प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। समझा, तो देखो यहाँ पे उन्होंने 15,000 से नेट प्रॉफिट कम किया होगा, फिर देखो 15,000 से यहाँ पे नेट प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया होगा, देखो यहाँ पे 15,000 माइनस किया क्या, एक्सपेंस बोले, देखो ना यार माइनस किया है ना यार उन्होंने, क्या मजे ले रहे हो तुम मेरी, यहाँ पे ध्यान में आ रहा है पक्का, 15,000 उन्होंने माइनस किया, देखो यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, अरे समझा के नहीं समझा, ये देखो यहाँ पे माइनस किया ठीक है, और ये जो तुम्हारा ये करने के बाद जो तुम्हारा क्या करने का, इसमें से माइनस करने का, और ये तुम्हारा आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आफ्टर एडजस्टमेंट, ये क्या आएगा बोलो, तुम्हारा आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा। इज दैट क्लियर, पक्का समझा के बोलो। देखो माय डियर एक बात बोलू तुमको, मैं एक बात बोलू, ये क्वेश्चन अगर तुमको समझा ना
तो भरोसा रखो मेरे ऊपर, इसके आगे के 1 मीटर गाइस सिर्फ थोड़ा सा कंप्यूटर जो है ना वो हैंग हो गया, ठीक है, वो हैंग हो गया तुम्हारे जैसा। अभी उसको करते हैं अपन ठीक, उसको अभी अपन करते हैं ठीक, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, हाँ हो गया, देखो तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना आपने किसके सिंगल एंट्री के, उसमें क्या करने का एक लास्ट बार रिविजन करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो मेरे लिए, मेरे लिए बस 2 मिनट, ठीक है। क्या करने का, सिंगल एंट्री क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों साथ में बनाने का, दोनों सेम बैलेंस शीट जैसा रहेगा, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का आएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, पहले लिखने का क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स को एड करो, एडिशनल कैपिटल को माइनस करो, आपको मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करो, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है तो एडजस्टमेंट अगर रहेगा तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के वहां पे एक वर्ड चिपकाने का, क्या चिपकाओगे, बिफोर एडजस्टमेंट, क्या चिपकाओगे, बिफोर एडजस्टमेंट, इतना चिपकाया, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करने का, फिर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, समझा क्या आपको। तो बस इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन देखो, आप कोई भी क्वेश्चन देखो सिंगल एंट्री में, आपको सिर्फ बाद में यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। और एक बात याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लास्ट मेरी सलाह सुनना, ठीक है। जब भी तुम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे ना, प्लीज मेरी एक लास्ट सलाह सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी तुम वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे ना, तो तुमको मैंने जो मेथड बोला है तुमको सिंगल एंट्री सॉल्व करने का, वही मेथड से तुम करोगे। उन्होंने बुक में कभी कभी ना देखो, उन्होंने बुक में ना कभी कभी एसेट साइड में डेप्रिसिएशन माइनस किया है, सुनो मेरी बात, आपको बस इतना याद रखना है, मैं हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूं, आप सभी लोगों को बुक का देखने का इच नहीं, क्या बोला, टेक्स्ट बुक में क्या क्या देखने का इच नहीं, वो भाड़ में गया, समझा मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करने का, जितने भी हमारे एसेट्स है ना, अरे बाबा जितने भी हमारे क्या है बोलो, जितने भी हमारे एसेट्स है ना, वो सारे आइटम को एसेट्स में लिखो, सारे लायबिलिटी को, सारे जो भी लायबिलिटी उसको लायबिलिटी में लिखो, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालो, आपको वही सही करना है, समझा क्या आपको, ध्यान में आ रहा है क्या, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, आपको एसेट दिया है, सुनो मेरी बात, अगर आपको एसेट दिया है उन्होंने, तो आपको एसेट कहां पे लिखने का, कैसे बोलो यार तुमको, मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं, अभी मैं थक गया बाबा, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ये जो एसेट है ना, अरे बाबा 1 2 3 4 5 6 ये एसेट है ना, इसको चुपचाप उठाने का, एसेट में इसको पहनने का, इसको एसेट में डालने का, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, लायबिलिटी है ना तो लायबिलिटी में लिखने का, समझो डेटर्स एसेट है लेकिन बाकी के जो लायबिलिटी उसको लायबिलिटी में लिखने का, कैपिटल निकालने का, फिर वहां पे वो जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला वो करने का, एडजस्टमेंट करने का, चुपचाप बैठने का, बैलेंस। जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, सुनो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में बावर्ड जैसा दिया है, आपको नहीं करने का है वैसा, आपको उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया है 2017-18, तो कुछ कुछ इसमें उन्होंने यहाँ पे मशीनरी लिख के इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको करने का नहीं है, आपको चुपचाप झक मारने की, क्या करने का, उठाने का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डालने का, समझा क्या। आणि जो एडजस्टमेंट नीचे करेंगे अपन, यहाँ पे नहीं करेंगे, उन्होंने किया है टेक्स्ट बुक में, वो गलती तुम मत करना, ये भी एक मेथड होता है, मेरी बात समझो, ये भी एक तरीका होता है सिंगल एंट्री को सॉल्व करने का, लेकिन हमको एक ही तरीका सीखना है, मैं आपको अगर 2 तरीके सिखाऊंगे ना तो वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुमको समझा क्या। तो तुमको क्या करने का, एडजस्टमेंट सिर्फ नीचे करने का, एडजस्टमेंट सिर्फ नीचे करने का, इतना आएगा के बताओ, इतना आएगा के बताओ, क्या आपको सिंगल एंट्री पूरा समझा, जस्टिस मिला आपको सिंगल एंट्री के साथ, अरे माय डियर आपको जस्टिस मिला के हार्डली, मैंने आपको 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर सिखा दिया यार, कम ऑन यार, जिसको सिखाने मुझे 15 दिन लगता है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ बॉम्बे हाथ मारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने आपको जो सिखाया भाई पूरा सिखाया एकदम, ट्रस्ट मी, आप कोई भी लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे, आपको उन्होंने मतलब क्या बोले यार आपको, मैं जाने दो, मुझे मालूम मैंने आपको सारा सिखाया, ठीक है, ये करने के बाद आपको आ जाएगा, सिर्फ आपको वहां पे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्या, अरे ओए बाबा मुझे चिंटी ने बोला था सिंगल एंट्री करने के लिए, तो चिंटे तुझे समझा क्या, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसका कल पेपर था तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे बोला था, देखो अभी आएगा क्या पक्का, वो है क्या नहीं वो भी नहीं मालूम मुझे, ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, राइट। तो मुझे जल्दी से बोलो कि जितने भी स्टूडेंट्स आपने अभी देखा, आपको सारा चीज समझा एकदम अच्छे से, पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अभी अभी सिर्फ अपना एक ही चैप्टर बचा है, कौन सा,
डेप्रिसिएशन जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन है, अगर टाइम मिलता है मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, सिर्फ अभी मेरा डेप्रिसिएशन बचा है, ठीक है, लेकिन याद रहेगा पक्का। ओके, अभी मैं कुछ बोलूं, मेरी एक बात मैं वापस बोल रहा हूं कि अभी तक अगर आपने अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया होगा, या अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, अपना एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे जाके वहां पे डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको अपना एप्लीकेशन भी मिल जाएगा सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, वो भी डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे हो, मैं सारी जगह पे हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप सारी जगह पे फॉलो करो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, आपका फायदा होगा, राइट। और सेकेंड, मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस कि मैं 12th स्टैंडर्ड का प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ पूरे साल का, यूट्यूब पे तो सिखाऊंगा ही, मैं वापस बोल रहा हूँ यूट्यूब पे तो सिखाऊंगा ही मैं, लेकिन प्राइवेट क्लासेस में वहां पे जैसे नोट्स वगैरह ये चीजें मुझे प्रैक्टिकली तो यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स देना, टेस्ट सीरीज वहां पे सॉल्व करके लेना, प्रॉपर इंटरेक्शन होना, जैसे यूट्यूब पे आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो, तो जो प्राइवेट बैच होगा वहां पे अपन जी मीट पे लेते हैं, पीछे ऐसा ही दिखता है जैसे अभी दिख रहा है, समझा, लेकिन वहां पे मैं भी आपको देख सकता हूँ, आप भी मुझे देख सकते हो, इवनिंग के क्लासेस रहेंगे 6 से 8:30 तक, तो आपका वहां पे कोई भी कॉलेज क्लास नहीं, क्लैश नहीं होगा, और वैसे भी इवनिंग में आप टाइम पास ही करते हो, आपको भी पता है, तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस कर लेना, कि आपको मेरी गारंटी कि आपको मिनिमम 95% में लाके दूंगा, बहुत जान लगा के पढ़ाऊंगा आपको, और ये मेरी गारंटी कि आप सभी लोगों को बहुत 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 फायदा होगा, ठीक है। देखो गाइस, बड़े बड़े सिटीज में बहुत सारी फीस लोग चार्ज करते हैं, मैंने सुना है कि कुछ कुछ लोग ये 60, 70, 80 थाउजेंड तक भी चार्ज करते हैं 12th स्टैंडर्ड का, राइट। तो मैंने फीस रखी है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फीस एफोर्डेबल भी है, और अगर आपको किधर दिक्कत आता है तो वहां पे आप मुझे इंस्टॉलमेंट मांग सकते हो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट भी दे दूंगा। देखो मेरा टारगेट क्या है मालूम है क्या गाइस, कि सारी चीजें मैं यूट्यूब पे पढ़ा तो दूंगा, राइट, लेकिन टेस्ट है, नोट्स है, इसको मुझे पर्सनल भी खर्चा आता है ना, तो वो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगा, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको सच में प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ पर्सनली पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो, है ना, और वहां पे 12th के साथ आप मेरे साथ सीए का भी कर सकते हो, एकदम जोरदार पढ़ाई करवाएंगे अपन आपको, ठीक है। तो अपन सारी चीजें चालू कर रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को बोल दो, आपको अगर समझता रहेगा मेरा तो ही आप क्लास लगाओ, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मतलब यूट्यूब जैसा ही है, तो फिर मतलब जैसे देखो आप अगर कंफर्टेबल रहेंगे तो ही क्लास लगवा, अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब आपको मेरे से कोई अच्छा टीचर मिला तो वहां पे लगाओ, इतना याद रखना कोई भी टीचर खराब नहीं होता है सिर्फ, ठीक है, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, कोई टेंशन नहीं। और यूट्यूब पे मैं पक्का पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाऊंगा, बस प्राइवेट ट्यूशन में कुछ एडिशनल चीजें होगी, ठीक है। तो ये दोनों मोड्स मेरे अवेलेबल है, उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को बोल दोगे। एक्चुअली 15 मार्च ही आपका लास्ट डेट था एडमिशन का, थोड़ा सा वहां पे मैंने डिस्काउंट देने वाला था, मैं 15 मार्च तक जो भी बच्चे एनरोल करेंगे वो सारे लोगों के लिए, लेकिन ठीक है अगर अभी भी आपका अगर ऐसा कुछ है कि आपका प्लानिंग है आपको ज्वाइन करना तो आप कर लो, मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही माई डियर, कल का जो भी मेरा सेशन होगा तो कल के सेशन में अपन डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है वो अपन वहां पे ले लेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला जो भी चैप्टर है वो अपन कल वहां पे ले लेंगे। और देखो गाइज मैं आपको एकदम जेन्युइनली बोलता हूँ, एकदम जेन्युइनली बोलता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मुझे आपसे चाहिए इसलिए बोल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गाइज मैं आपको जो यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ना, तो वहां पे ना ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं कुछ कंटेंट मिस करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सारा कंटेंट दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे मैं ना आप सभी लोगों को तभी पढ़ा पाऊंगा, मेरा यूट्यूब पे आपको पढ़ाने का मोटिवेशन मुझे तभी मिलेगा जब आप आपके जितने भी फ्रेंड्स से मैक्सिमम वो सारे फ्रेंड्स को शेयर करोगे, राइट। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी ज्यादा ज्यादा लोग देखते हैं ना तो पढ़ाने में भी एक अलग जोश आ जाता है, समझा क्या। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना माय डियर, मुझे थोड़े से आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे अपने चैनल पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो ही आप आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, राइट। अगर आपको लगता है कि किधर हम कम गिरते हैं तो आप मुझे वैसा व्हाट्सएप पे बोल दो, मैं वहां पे डेफिनेटली सारी चीजें इंप्रूव करूंगा, क्योंकि आपके सजेशन ही मुझे बताएगा ना कि मैं और इंप्रूव करना चाहिए क्या, कहां पे मैं कम गिरता हूं, आप मुझे बिंदास बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे ये अच्छी क्वालिटी है,
मेरा कंटेंट स्ट्रांग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो आप लोग आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को बोल दो, है ना, अपना फैमिली मुझे बहुत बड़ा करना है यूट्यूब का, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आप सभी लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत गिरेगी। क्या होता है, ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे, बराबर है, बहुत सारे लोगों का जिंदगी अच्छा हो रहा है, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना। तो इसके आगे अगर आपको ऐसा लगता है मैं अच्छा टीचर हूं, तो आप सभी लोग आपके जो भी व्हाट्सएप के स्टेटस है प्लस इंस्टाग्राम के स्टोरीज है, थोड़ा सा टैग वैग करते जाओ मुझे, थोड़ा सा प्रमोट करो अपने चैनल को, राइट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट से ही मैं बड़ा हूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनूंगा, ठीक है। सो देखते हैं अभी कितना प्यार और सपोर्ट करते हो, राइट। चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का सिंगल एंट्री समझा होगा एकदम जोरदार तरीके से। कुछ भी अगर आपको डाउट रहे, कुछ भी चीजें रहे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कॉल मत करना क्योंकि मैं लेक्चर्स में रहता ना तो कॉल नहीं उठा पाता हूँ, राइट। लेकिन जब भी मुझे पॉसिबल हो मैं आपको पक्का व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते जाऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे वहां पे फॉलो करो, राइट, चैनल पे नहीं रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक दो, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ बहुत ही मजे से पढ़ते होंगे, राइट। और मुझे एक बात सिर्फ चाहिए लास्ट वाली, कि आप लोगों के जब भी 11 के पेपर्स होंगे ना, आप मेरे पास क्लास ज्वाइन करो या मत करो, उसका मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। 12th में आपको करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ना आपके जब 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स आएंगे ना, तो वो मार्क्स मुझे पक्का बताना, ठीक है। आप सभी लोगों के 11th स्टैंडर्ड के जो भी मार्क्स आएंगे ना बेटा, 11th का आपका जब भी पेपर होगा और उसके बाद जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे अकाउंट्स के, तो वो मार्क्स मुझे पक्का बोलना, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्क्स जानने से मुझे जो खुशी मिलेगी ना, शायद उतने खुशी के लिए तो भी मैं डिजर्व करता हूँ, बराबर ना, क्योंकि मैंने साल भर तो पढ़ाया आपको, राइट। एक दो चैप्टर्स मेरे बाकी है लेकिन मैं पढ़ा दूंगा वो, तो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, तो वो पढ़ाने के बाद आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, आई नो, मैं आपको बेट लगा के बोलता हूँ कि अपने चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स ने स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखा होगा ना बॉस, उसको अकाउंट्स में 100 में से 80-85 के नीचे तो आईज नहीं सकते। और जितने भी स्टूडेंट्स देखते होंगे उसमें से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिसको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि कंटेंट वैसा दिया था मैंने, सारी चीजें बहुत दिल से पढ़ाई थी मैंने, तो बस उतना आप मुझे बोल देना, ठीक है। उतना मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज उतना मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, आप सभी लोगों के रिजल्ट्स के, आपके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, प्लीज मुझे उतना बोल देना, उतना तो बोलोगे ना आप, उम्मीद करता आप सभी लोग उतना तो मुझे बोल दोगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे आपको पढ़ाने में सच में बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो यही ताकत से, यही स्पिरिट से मैं आप सभी लोगों को पढ़ाते रहूंगा। तो कल अपन मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए डेप्रिसिएशन, और तब तक के लिए आप सभी लोग सिंगल एंट्री के जितने भी क्वेश्चंस करवाए एकदम जोरदार कर लो, फाइनल अकाउंट्स भी कर लो, कुछ दिक्कत आए तो बोल देना, अलग से डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है। चलो सो बाय गाइस, टाटा, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव, कल अपन मिलते हैं 9:30 बजे, तब तक के लिए सारे लोगों को शेयर कर दो, ठीक है, बाय बाय, टाटा।